Yes, if you can hear me, just make us live. थोड़ा डार्क क्यों लग रहा है भाई हे हाय हेलो एवरीवन दिस इज मास्टर टीचर मोहित रैन थोड़ा 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 मैं ज्यादा यहाँ पर पा रहा हूँ कि रोशनी की कमी है लेट मी जस्ट गिव मी जस्ट फाइव सेकेंड्स में फटाफट लाइट ऑन कर लू यस yes. है ना अब थोड़ा चमक गया मैं हाँ पहले से बहुत चमक गया मैं यस 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 एंड एंड अब तो और भी चमक जाऊंगा यस अब सही है अब बहुत चमक गया कैसा लगा चमक गया मैं सो so, कैसे हो मेरे दोस्तों लव यू ऑल लव यू सो मच लव यू सो मच कैसे हो आज में तो ज्यादा चमक रहा है हूं नो लेट ओपी नो लेट ओपी ओके सो हम जो है वो समय से पहले आ चुके हैं ना आपकी घड़ियां तो अलग ही चलती हैं वो तो हम जब भी आ जाएं टाइम पर तब भी बराबर आप लेट ओपी लोट ओपी बस बदमाशियां करनी होती है आपको सो so, क्या हाल चाल है यस 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 आश्मी राठौर इट्स नॉट फेयर एंड लवली इट्स ग्लो एंड लवली डोंट बी अरेस्ट कैसे हो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में बताओ मेरे दोस्तों लव यू so और लव यू सो मच और फटाफट भाई वीडियो शेयर करो दोस्तों से भीड़ बढ़ाओ ये क्या देख रहा हूं मैं सौ डेढ़ सौ बच्चों के लिए नहीं आता मैं सौ डेढ़ सौ दोस्तों के लिए नहीं आता मैं मुझे चाहिए ढेर सारे दोस्त और आज आपको मिलने वाला है मसाला मसाला मसाला, मसाला असमी असमी बाबा असमी बाबा आपके लिए मसाला चलिए शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले जब तक कि आप दोस्तों को बुला रहे हैं तब तक हम शुरू में जो हमें बतानी होती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता डालते हैं दो मिनट लेंगे आपका फटाफट फ़ड़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके दोस्त का इंट्रोडक्शन है ग्यारह सालों से पढ़ा रहे आपका दोस्त और सौ के अंदर काफी अच्छी अच्छी रैंक बना चुके हैं 500 प्लस आईटी टी हैं और आपकी दुआओं से अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से सर्टिफाइड भी हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात सेशन की अगर आप अभी तक ऐसे पापी हो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मजे में बोल रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट -फड़ सब्सक्राइब कर डालो बिकॉज बहुत क्यों? ही नहीं, तो नहीं आएगा हम शुरू में प्रो प्लस इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका पर्पस ये होता है कि नए नए दोस्त हमारे आते रहते हैं हर दिन उन्हें कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मिस कर जाए वेदांत प्रो प्लस के बारे में सुना ना हो उन्होंने जाना ना हो आप जान चुके हो एक बार फिर से रिकॉल करा दे आपको प्रो प्लस एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉग सपोर्ट सिस्टम है आपको एक मेंटर मिलते हैं आपके साथ प्रो प्लस में आपको एक मेंटर मिलेंगे जो आपको दो साल लगातार तीनों सब्जेक्ट में गाइड करते रहेंगे है ना अमेजिंग और साथ में भाई ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डाउट सॉल्विंग है और टेस्ट की तो भरमार है पोस्ट क्लास कंटेंट है लाइव इंटरेक्टिव क्लास है पर्सनलाइज इंटरवेंशन है किसी भी तरह की किसी भी तरह के इश्यूज हो पर्सनली आप डिस्कस कर सकते हैं और हमारी जो लाइव क्लासेज होती है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज ऐसी होती है ऐसे दिखते हैं आपको अनकैम करके अनम्यूट करके आपके साथ मजे से सा पढ़ाई करते हैं डाउट लेने का यह तरीका है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसे आपको एनालिसिस मिलती है रिजल्ट में माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस आप देख रहे हो और रिजल्ट में हम बाकियों से काफी दूसरे लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं रिजल्ट हमारा बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है आप देख सकते हो अगर सिर्फ आप एडवांस उठाओगे तो उसमें आपको दिख जाएगा दस में से एक बच्चे का सिलेक्शन जरूर है मल्टीपल कोर्स इनफेक्ट है आप उसमें भी एनरोल हो सकते हो फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट तो अब जबकि इतनी बातें हो गई और शायद आपके दोस्त ने आपसे दो मिनट लिया है ज्यादा नहीं लिया ज्यादा ले लिया क्या अब शुरू करते हैं बट भाई ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रो प्लस की जो इंफॉर्मेशन मैंने दी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो बताई नहीं आपको भाई एम प्रो अगर आप अपने दोस्त का कोड लगाते हो तो आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा ये टेन परसेंट ऑफ लेना भूलिएगा मत अब शुरू किया जाए ओ अच्छा ये तो आपने हर तरफ देखा होगा वेदांतों की तरफ से एक वीआईपी वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस एक प्रॉमिस आपको दी जा रही है कि अगर पढ़ाई में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फीस वापस है दिस इज ऑल्सो समथिंग अमेजिंग यार है ना सिर्फ और सिर्फ आप इसी प्लेटफॉर्म पर आप पाओगे मतलब वेदांतों पर ही आप पाओगे ये जो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है दैट इज समिंग वी बिलीव ऑन आवर डेडिकेशन हम अपने डेडिकेशन पर इतना यकीन रखते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम डेडिकेटेडली आपके लिए काम करें और आप में इम्प्रूवमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता अब शुरू करते हैं सेशन को फटाफट फड़ एक बार लगे दोस्त शुरुआत कर दी जाए फटाफट फड़ चैटबॉक्स में आग लगा डालो दुनिया वालों को जला डालो जल्दी और लव यू दोस्त बोल डालो। रिवीजन से शुरुआत करेंगे लास्ट में अगर आपको लगता है, कि लास्ट की बातों में कुछ आपको है कुछ आपको ऐसा थोड़ा कुछ तो क्वेश्चन से आज वैसे टॉपिक है वे पार्टिकल डुअलिटी और बड़े मजेदार मीम से अपने वास्तव अब मजेदार मीम से आप समझ ही गए कि क्या इशारा है कहां इशारा है हमारा है ना आज आपको मसाला मिलने वाला है काफी ओके एंड हाँ यस लाइक बटन हिट करते रहना है भाई उसे बढ़ाते रहना है वो कम रहेगा तो दोस्त की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी फिर सो so, बढ़ा करके लव यू दोस्त और वो लाइक like बटन फोड़ते रहना है दोस्तों रिवीजन शुरू करें चलो शुरू करते हैं शुरू करेंगे हम चॉकलेट क्वेश्चन से बट गेमर्स पॉइंट आपका चॉकलेट नहीं गया है, है ना गेमर्स पॉइंट ने भेजा हुआ है सर मुझे तो चॉकलेट भेज दो और कमाल की बात है जिनको चॉकलेट भेजा गया उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है अच्छा एक बार जिनको चॉकलेट भेज दिया वो मैं मुझे दिखते ही नहीं है चैट बॉक्स में फिर मुझे वो दिखते हैं लोग बेचारे जो कि चॉकलेट ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है जिनको चॉकलेट भेज दी जिनको गूगल पे किया वो दिखते नहीं है भाई ऐसा मत कर देना गेमर्स पॉइंट जिनको भेज दिया वो दिख ही नहीं रहे हो गया वो हो गया पढ़ाई हो गया ऐसा मत कर देना चलो शुरू कर

आपको जो शिकायत चल रही थी एनोटेशन वाली वो दूर करा दी है आपने देखा जिस किसी भी लेक्चर में आपको लग रहा था कि एनोटेशन वाले पीडीएफ नहीं है सब अपडेट करा दिए है।, है ना नहीं नहीं नहीं, नहीं। जब एनोटेशन नहीं होते तब तो बोलते हो नहीं है जब एनोटेशन आ गए तो एक बार भी लव यू दोस्त नहीं बोलना हो गया हाँ हो गया एक सेकंड रुक जाइए अरे एक सेकंड रुकिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा तो रुकिए ना ए प्लीज हाँ अब ठीक है hey, हम यस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन याद दिलाएगा आपके दोस्त ने आपको बताया था कि ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है सो एन इक टू टू है एंड आपको निकालना है टू पर क्यों जाना कोई ऑप्शन ही नहीं oh जो कहे, उसके पास आंख नहीं आलू है सो so, ये बन गया एच बाई पाई अच्छा ऐसा मुझे क्यों याद आ रहा है कि कल रात लोगों ने जो मुझे काफी बोला था कि सर एच फॉर हेरी पीरियम एच फॉर हेरी पीरियम फॉर हेरी पीरियम क्यों याद आ रहा है मुझे ऐसा हुआ था क्या कुछ जी हां बिल्कुल हुआ था इतिहास गवाह है जिन लोगों को पीडीएफ में सॉल्यूशन चाहिए दोस्त के सॉल्यूशन के अलावा चाहिए देखिए बट आपको तो पता है कि जो हमने जैसे सॉल्यूशन वहां पर बनाया बड़ा आसान था वैसे वही सेम चीज है बट ये इतना करने की बजाय देखो ये जो पार्ट है जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे ओ माई गॉड जो है वो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स होगा मल्टीप्लाइड पुट करेंगे है, और तब फिर वो लिखेंगे, और फिर उस एनर्जी एनर्जी उसको इक्वेट करेंगे उसके बाद फिर एन लाएंगे इतना करने की क्यों जरूरत है जब आपके दोस्त ने आपको याद ही दिलाया है कि भाई माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स होता है फर्स्ट ऑर्बिट का माइनस थ्री पॉइंट फोर होता है सेकेंड ऑर्बिट का और थर्ड ऑर्बिट का बता दो माइनस वन पॉइंट फाइव तो जब हमें याद था तो इतना काम क्यों करें है ना फटाफट पुट कर दिया सो so, ये पार्ट हमारा बहुत क्विक हमने कर लिया था अपने सॉल्यूशन में यस ओ माय गॉड समझ करके समझाएगा मुझे क्या बोला जा रहा है यहां पर बोर मॉडल ने बोला कि तुम कब आए डाल्टन भैया ने बोला सबसे पहले मैं ही तो आया ओ हो उसे बैकग्राउंड में आना चाहिए वो कॉफी वाला है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इज़ द द एनर्जी ऑफ ऑफ एन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट एलिमेंट गिवन मुझे क्वेश्चन लंबा करना है। कई बार क्या होता है पॉइंट पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन को double, बनाया जाता है। क्यों क्योंकि कुछ बच्चे हो जा, हो चुके रहते हैं बोर अब वो बोर होने का फायदा उठाया जाता है फायदा ऐसे उठाया जाता है कि लंबी लाइन पढ़वाई जाती पढ़ते, पढ़ते कुछ जाते है तो उनके लिए स्पेशल होता है बॉस में। किसने किसने नहीं देखा है वो स्टडी लाइक बॉस दोस्त नहीं हो आप मेरे स्टडी लाइक बॉस किसने किसने नहीं देखा है और आज के आर सर को बोल ना कि आज ग्लो एंड लवली मैंने लगाया हमेशा क्या वही लगाते रहते हैं आज मैंने लगाया ग्लो एंड लवली तो दोस्तों जिन्होंने अगर नहीं देखा स्टडी लाइक बॉस फिर तो दोस्ती खतरे में फटाफट देख डालना मैंने बताया था कैसे एक्टिवेट करते रहना खुद को तो जैसे ये क्वेश्चन आया है, है बट कोई बात नहीं यार आप तो यार दोस्त के दोस्तों आपको पता है कि ये तो एनर्जी का फॉर्मला होता ही है इतनी लंबी बात है कि अब काम की बात यहां आई है ई वर्सेजेड स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है तो यार ई वर्सेज जेड स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है मुझको तो ऐसा तो लग रहा है जैसे कि यहां जो ग्राफ प्लॉट करने की बात आई है तो ई को वाई एक्सिस पर रखेंगे और जेड स्क्वायर को एक्स एक्सिस पर अगर ऐसा करेंगे तो ये जो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई एन स्क्वायर वाला पार्ट है इसको वेरी नहीं कराना है वो कॉन्स्टेंट हो गया तो उसे हमने कॉन्स्टेंट लिख लिया कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर जी ओ सो सॉरी 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 माय बैड माय बैड उम्र 155 की हरकत है बचपन की तो x लिख दिया हमने यहां पर y इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स अब y और x में रिलेशन हमें पता चल गया अगर y और x में रिलेशन पॉजिटिव साइन के साथ होता तो ग्राफ हमारा ऐसे जाता अब क्या होगा अब कैसे जाएगा ग्राफ देखिए y और x आपको पता है e और z स्क्वायर है प्लस साइन के साथ ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू y is equal to mx plus c ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कितने लोग सीख चुके हैं अभी तक हेरी प्रियम सर ने सिखाया कालिया भाई ने सिखाया मेरे भाई मेरे भाई ने सिखाया सबने सिखा दिया आपको आपको पहले से पता है टेंथ क्लास से पता है यार बाद में कोई क्या सिखाएगा आपको पहले से पता है तो y स्क्वल टू एम एक्स ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है अगर c को कर दो लड्डू c को कर दिया लड्डू गोल का तो हो गया वाईल टू ये हो गया y स्क्वल टू

जी ऐसा इक्वेशन होगा ना देखिए ना ऐसा इक्वेशन होगा ना एक्स वाई टू कॉन्स्टेंट अगर हुआ तब ना आएगा ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ये इक्वेशन आना चाहिए ऐसा तो नहीं आया है ना स्ट्रेट लाइन है वाई टू, एम आना चाहिए और जो एम है स्लोप है वो पॉजिटिव आना चाहिए बट वाई इसवल टू एम एक्स हो और एम की वैल्यू निगेटिव हो तो ग्राफ जो है पलट जाएगा निगेटिव की तरफ भाग जाएगा भाग गया निगेटिव की तरफ है ना

पागल हो जाते हैं खुशी के मारे के चार में से दो ऑप्शन तो गए देखिए फिफ्टी फिफ्टी ओपी रूल जो है ना हमारा एक्चुअली मैं इसको डेड ऑप्शन हूं डेड ऑप्शन ही हमारे जेई में डेफिनेशन सुनिए फिफ्टी फिफ्टी ओपी रूल का अक्सर ही हमारे क्वेश्चंस में जेई मेन्स के क्वेश्चन में स्पेशली में ये फेक एक्सेंट बोलना जरूरी था बिकॉज के मजा आता है तो स्पेशली <coughs> केमिस्ट्री में क्या होता है अक्सर चार में से दो ऑप्शन जो है वो बड़े आसानी से उड़ जाते हैं मरे पड़े रहते हैं वो कोई काम के नहीं होते हैं वो उनको बोलते डेड रूल तो सर्च कीजिए प्रिपेयर करते करते पढ़ाई करते करते हमारे साथ एलिट बैच में हो एलिट बैच एलिट आर्मी ओपी एक बार बॉक्स में और वीएलओपी एलिट आर्मी ओपी एक बार फिर ओपी थोड़ी देर बाद एलिट आर्मी ओपी पहले पहले आपके लिए तो एलिट आर्मी हो आप आपको ये सब बातें सीखते जाना है सीखते जाना है कि अच्छा दोस्त ने बताया ये फंडा बताया अपने को वैसा इंसान बनना है कि वो क्वेश्चन को इसी नजर से देखेगा कहीं इसने चारों ऑप्शन में बिकॉज सोचो तुम आखिर तुम भी सेम चीज करोग तुम भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तुम भी सेम अमाउंट ऑफ मेहनत करोगे बट स्टिल तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो तुम्हारे साथ तक क्लास में सेम अमाउंट ऑफ मेहनत कर रहा था सेम डीपीपी सेम सेम क्वेश्चंस पढ़ रहा था सेम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा था बट उसने ज्यादा स्कोर कर दिया एग्जाम में इस वजह से क्योंकि वो ऑप्शन पर पूरा ध्यान देता है कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकते जो पॉसिबल नहीं हो सकते उनको उड़ा दिया ये तो अलग इक्वेशन का है ये तो का है। ये तो तो अलग अलग ही ही इक्वेशन का है दुनिया में जा रहा अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रहा है तो आई विल फोकस ऑन द स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन ओनली तो ये दो ऑप्शन थे जिन पर के फोकस करना था बट हाँ दिस इज द आंसर बिकॉज कि ये करेक्ट चला गया तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत अच्छी बात है ओ भाई साहब ये क्या है

इन्होंने बोला कि अच्छा हाँ बट एक्चुअली ना ऐसे आप भी करते रहते हो तो दिन भर मम्मी आपसे कुछ पूछती हो पूछती है करेले की सब्जी खाओगे अच्छा हाँ फिर समझ में आता करेला बोला ना 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 तो आप भी हाइजन बग प्रिंसिपल पर काम करते रहते हो तो दिन भर स्पेशली याद करो ये लाइव एग्जाम्पल जो मैंने दिया ये लाइव एग्जाम्पल तो आपने पक्का फॉलो किया <laughs> ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही करते रहा हूँ भी नहीं किया ही होगा पक्का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द दंसिडरेशन ऑफ बोर थ्योरी फॉर द हाइड्रोजेनिक स्पेशीज विच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द बी प्लस थ्री आयन कैन हैव द सेम रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम गाइस ये रिवीजन चल रहा है एंड एवरी टाइम आई रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर इसके लिए तो मुझे एक्स्ट्रा प्यार तो मिलता नहीं है

लेकिन कई बार लोग जो है देख लेते अरे बाप रे बाप मुझे तो तीन लाइनें पढ़नी है मैं तो एक लाइन से ज्यादा नहीं पढ़ सकता कुछ लोग तो ये सोच के जाते हैं कि क्वेश्चन ऊपर वाला क्यों देते हो सीधे ऑप्शन दो ना मुझे ऑप्शन में तो ठप्पा मारना है बस मैं ठप्पा मारूंगा ठक 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 निकल लूंगा ऐसा <laughs> तो नहीं सोचता ना यार ये तो गंदी बात है ओके okay, तो हुआ क्या कि पहली लाइन में बस बताया कि भाई बोर मॉडल जो बोर थ्योरी है वो हाइड्रोजनिक स्पेसिस के लिए है और अब बात काम की शुरू हुई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द बी प्लस थ्री तो भाई कौन सा स्पेशीज दिया गया बी प्लस थ्री फोर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेशीज है, है भाई? Uh, radius, orbit, अच्छो, के कौन से ऑर्बिट के लिए है ना विच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट के लिए अंग्रेजी बहुत ही आईसीएससी लेवल की डाली गई आपको पता है सीबीएसई वालों से ज्यादा टफ होती है आईसीएससी लेवल की तो अंग्रेजी जो बिल्कुल आईसीएससी डबल अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल पे डाली गई है इंग्लिश बट अपने को समझ में आ गया अच्छा ये पूछना चाह रहा है कि कौन से कौन से ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होगा बी प्लस थ्री में वो बराबर हो जाएगा अगर हम हाइड्रोजन अगर हम हाइड्रोजन एटम में जाए और इसके ग्राउंड स्टेट को उठाएं तो भैया ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है हाइड्रोजन आइटम के लिए जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू एन स्क्वायर बाई जेड यही होता है ना यही होता है ना अच्छा कितने लोगों का रेडियस का फॉर्मूला याद हुआ है वो कंप्लीट बड़ा वाला दोस्तों याद मत रखो जैसे मैंने ड्राइव करवाया था ना वो डेरिवेशन दो तीन बार कर लो सो आपको ना याद रखने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा जब आप डिराइव करोगे तो कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे बोर्स मॉडल में किसी को भी पढ़ाने लायक बन जाओ ये आपका टारगेट होना चाहिए आपको पता है दिस इज कॉल्ड टेक्निक ने बोला था ने बहुत मशहूर फिजिसिस्ट रहे हैं आप गूगल सर्च करो सो so, उन्होंने बताया था कि सी यार अगर तुम्हें कोई टॉपिक अच्छे से समझना है और कोई टॉपिक तुम्हें तंग करता है दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दो अब उस बहाने से तुम बहुत अच्छा कर लोगे टॉपिक को तो ऐसे सोच करके चलो ना छोटे भाई बहन को पकड़ दो बोलो चलो आज तुमको बोर्ड मॉडल पढ़ाते हैं फिर देखो कैसे जो मम्मी तुमको चप्पल फेंक के मारते हैं ये नहीं करना है मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई कोशिश करो अगर तुम्हें लग रहा है कि फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, रहा रेडियस का तुम उसका बैकग्राउंड डेरिवेशन को दो तीन बार कॉपी में ना रिपीट करो एक बार देख करके करो और बाकी दो तीन बार आप जो ट्राई करो कि वो आपसे खुद से ड्राइव हो तब तक उसको कम से कम से कम से रिपीट करो जब तक आपको ये ना लगे कि मुझसे डेरिवेशन हो जाएगा तो मैंने जो स्टेप्स बताए थे तो वो ध्यान में रखो कॉन्सेप्चुअली नो नीड टू गो फॉर द रटिफिकेशन छोटू फॉर्मूला वो तो ध्यान में रहेगा ये ना ध्यान में रहेगा तो फिर तो हमें तो

जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन के इसको या ऐसे बोलो कि मैं अगर इसे ढीचकी अगर उड़ा दूं तो आपको समझ में आ गया ओके okay. इसको इसके बराबर करना था है ना आप बहुत समझदार हो पहले ही समझ चुके हो यहां जो वैल्यू निकाल रहे थे हाइड्रोजन के लिए वो जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन थी इसको इसके बराबर कर दिया बस अब बराबर कर दिया जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन के तो पता चल गया कि एन की वैलू है ना सबने फोड़ा हुआ पहले ंग लिख रहा फोर दीपिका लिख रही टू और इन्फ्रिटी लिख रहा टू अब 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 तो सबने देख लिया <laughs> देखा है या फिर जो है खुद <laughs> से बनाया बनाया खुद से ऑसम awesome, ऑसम awesome. जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए PDF में हमने सोल्यूशन बहुत प्यार से डाला हुआ है सो आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छी लगेगी पीडीएफ एंडोटेशन वाले सारे पीडीएफ को आपके दोस्त ने अपडेट करवा दिया है इसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा प्यार नहीं मिला ओके अकॉर्डिंग टू बोर्स

Guys, आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रेडियस विलोसिटी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सबके निकालवाए थे जो कम इंपॉर्टेंट थे वगैरह के वो छोड़ दिए थे आपके पीडीएफ में देखा है आपने प्लीज नहीं देखोगे तो देखो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में कितने सही किया अभी तक हमने चार पांच क्वेश्चन जो भी बनाए कितने सही हुए आपके एक बार स्कोर बताना जेनविन स्कोर दिखाया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन वाला जो रिलेशन है वो सही है अब ऑफ रिवॉल्यूशन वाला आपने देखा नहीं होगा पीडीएफ जो आपको मिली थी है ना चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए इसे लीजिए गायब नहीं है पर मैं बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से एक रास्ता है सारे गलत ऑप्शन को छाटते जो <laughs> अगर आपने ये नहीं याद किया तो काम थोड़ा सा लंबा है अगर आपने इसको नहीं देखा हुआ है पीडीएफ में नहीं देखा था तो फिर तो काम लंबा है बट कोई बात नहीं इस पर भी आ सकते हैं या इस पर जा सकते हैं देखिए

फॉर्मूला पुट करो आर की, का फॉर्मूला क्या जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है तो आर की जगह पर हम पुट करेंगे N2 by Z अगर क्योंकि उसके पहले मतलब हमें तो फोकस करना है एन और जेड पर क्योंकि क्वेश्चन क्यों जो है N और Z पर फोकस कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी पे तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उन, उनकी अभी कोई जरूरत नहीं है अब एन स्क्वायर बाई जेड पुट करोगे जेड ऊपर जाएगा मेरे दोस्त इस जेड से मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और देखो ये सब रटते नहीं है रटते नहीं है बट चूंकि हमने जितना पढ़ा है हमें पता है उससे सारे क्वेश्चन बनेंगे बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाना है कि अच्छा ऐसे बना था है तो ही यार कौन सा मैं बेसिक फॉर्मूले में जाऊंगा जो आर का जो छोटू फॉर्मूला होता है उसी से सारा काम हो जाता है मैंने बताया था कि आर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे छोटू फॉर्मूले से जो बड़ा फार्मूला है जैसे आर का बड़ा फार्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वाई फोर बाई स्क्र एम के जेडी स्क्वायर ये फॉर्मुले नहीं याद है कोई बात नहीं बैकग्राउंड में जाकर के डेरिवेशन कैसे किया गया था कैसे डेरिवेशन के एक एक स्टेप नहीं याद करने डेरिवेशन कैसे किया गया था ये ध्यान में रखो अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अगर बहुत टफ तो वो वहां से बन जाएंगे बिकॉज डेरिवेशन वॉज द बेसिक बात यस 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 एंड आई सी दैट लाइक बटन अभी तक जो है वो दो सौ भी नहीं पहुंचा है रुला लो रुला लो तो ये भी गलत हो गया है ना अब ये नहीं समझ में आया तो फिर से कुल्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भाई कुल्बिक फोर्स फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी और कोलॉम्बिक फोर्स में डिफरेंस किस बात का होता है कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है उसका स्क्वायर स्क्वायर आएगा फोर्स में और आर आएगा पोटेंशियल में आर स्क्वायर आर बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी में है ना तो अब आप अगर चेक करोगे आर स्क्वायर आर में आर प्रोपोर्शनल होता है किसके एन स्क्वायर बाई जेड के तो अगर आप आर स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त तो ये पूरे का स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये स्क्वायर होगा और फिर ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो फिर से ये टर्म नहीं आएगा तीन ऑप्शन एलिमिनेट करके मैंने दिखाया ऐसे भी बना सकते थे अगर फ्रीक्वेंसी वाला नहीं आता तो बट आपको फ्रीक्वेंसी वाला करना कैसे चाहिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने कितने रिवॉल्यूशन किए होंगे दिए गए ऑर्बिट में अब ऑर्बिट तो ढेर सारे होते हैं बट दिए गए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी चक्कर मार लेता है अब चक्कर मारने का मतलब है एक चक्कर मारने का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना डिस्टेंस हो हो जाएगा एक एक ट्रेवल 2 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से पाई पाई करेक्ट है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है ये भी पता है पर सेकेंड है दो टाइम पीरियड का इनवर्स होगा जब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी दैट मीनस कि

ठीक है अब आपको टाइम दे दिया जाएगा उसमें बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन और वो टाइम कितना है? एक सेकेंड तो पर सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन है इट इज कॉन्सेप्चुअली ही जस्ट वो इनवर्स है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्चुअली एक दूसरे के क्या इनवर्स है और वो आप देखते आ रहे हो बचपन से जो आपने वेव का फार्मूला पढ़ा हुआ है वेव के फॉर्मुले में आप निकालते थे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे सी बाई लेमडा करके याद आया और जस्ट उसका इनवर्स कर देते थे जब टाइम पीरियड की बात होती थी वैसे यहां पर करना है अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो डिस्टेंस उठाइए उसको डिवाइड कीजिए जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपको एक कंप्लीट आपको पता करना है कि एक सेकंड में कितने चक्कर इलेक्ट्रॉन बना लेता है ऑर्बिट का तो पहले ये तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस ट्रैवल करना, तो करना होता है किसी एक ऑर्बिट में टू पाई आर आर एन लिख सकते हैं इसको यस अब डिस्टेंस तो ये ट्रैवल करना है लेकिन स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की वो तो वही है टू वाली, ये, वाली ये स्पीड है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है 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 वो ऑर्बिट में मूव कर कर रहा है। अब अगर मैं को v से डिवाइड तो ऊपर डिस्टेंस मुझे, मुझे, मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी या मुझे टाइम पीरियड मिलेगा जरा एक बार यूनिट को देख करके बताना तो ऊपर मीटर है नीचे में मीटर पर सेकेंड है अगर मैं ऐसे ही दिखाऊं तो साफ पता चल रहा है सेकंड आ रहा है आने का मतलब टाइम पीरियड है है ना तो इसका जस्ट मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी v डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑर्बिट की वेलोसिटी देख लो एन ऑर्बिट का रेडियस देख लो डन इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्योंकि अब पर सेकेंड आ गया यूनिट आपका है ना बट अब कॉन्सेप्चुअली इसका क्या मतलब हुआ भाई कॉन्सेप्चुअली मतलब ये हुआ आप ऐसे देखो एक सर्कम के लिए डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा न्यूक्लियस के द्वारा वो होगा टू पाई आर एक रेडियस एक सॉरी एक पूरा सर्कम फेरेंस करना है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ठीक है अब अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो भाई सिंपली आपको क्या करना है वो डिस्टेंस बाय टाइम ये स्पीड होता है ये वाला फॉर्मूला लगाना है और तो कुछ करना ही नहीं है स्पीड की बात करेंगे तो ये क्या होता है खुद डिस्टेंस बाय टाइम होता है मुझे अगर टाइम निकालना है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा तो ऑब्वियसली जस्ट हम पोजिशन स्विच कर देंगे और क्या लिखेंगे कि जो 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 टाइम टाइम लगेगा ट्रेवल करने में पूरा सरकमेंस वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के ये डिस्टेंस क्या था टू पाई था तभी यहां पर हमें क्या लिखना है कि ये जो टाइम पीरियड है है ना जिसको मैं बोल रहा था कि हमने यूनिट से भी पहचान लिया कि वो टाइम पीरियड है हम तो यूनिट से भी पहचान सकते हैं यस yes. तो टाइम पीरियड है अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है तो जस्ट इसे रिवर्स कर दो टाइम पीरियड का रिवर्स ओके okay. तो ठीक है अगर आप फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नहीं जानते थे तो अभी आपको सुनने में थोड़ा सा टाइम लगा मैंने भी यह मान करके समझाया कि आपको नहीं पता था कि फ्रीक्वेंसी क्या है ठीक है क्योंकि हो जाता है लोग अगर बिल्कुल वो पहले वाली बात है जो नाइन्थ टेंथ वगैरह में पढ़ी है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बिल्कुल ब्लैंक है नहीं है तो रिकॉल करने में टाइम लगेगा अगर

उसमें आर का फॉर्मूला पुट करो और विलॉसिटी का फॉर्मूला पुट करो तो आप पुट करो और पुट करने के बाद आपको यही रेशियो दिखाई दे जाएगा कैसे दिखाई देगा यहां पर जेड बाई एन है ऊपर में जेड बाई एन आएगा और नीचे में क्या आएगा नीचे में आएगा एन स्क्वायर बाई जेड बस हो गया अब मेरे पास जगह नहीं है लिखने की बट स्टिल मैं लिखे जा रहा हूं थोड़ा तो प्यार बनता है देखो आ गया जेड स्क्वायर बाई एन और दूसरा तरीका था कि तीनों ऑप्शन को क्या कर दो चेक कर लो अच्छा भाई इतनी सारी बातें लिखी हैं क्योंकि मेरे पास कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं थी मैं स्लाइड ऐड करूंगा तो चांसेस कि वो स्लाइड जो है सेव नहीं होगी समझ लो इसलिए मैं स्लाइड नहीं ऐड कर रहा हूं मैं बोलूंगा आपसे टीम को कि प्लीज जो है जब कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो उसके बाद स्लाइड जरूर ऐड कर दे है ना बनता है ना बनता है सो so दैट के एकदम क्लैरिटी के साथ जो है आपको सोल्यूशन बता सके जगह ही कम पड़ गई सॉरी फॉर दैट बट आई होप दैट होपने इसको देखा ध्यान से और समझा काफी मेहनत से आपके दोस्त ने समझाने की कोशिश की है <laughs> बहुत मेहनत की बट आपने अगर नहीं ध्यान ध्यान दिया दिया होगा तो तो फिर तो पाप लग जाएगा आपको दिया? चले कोई बात नहीं बढ़ते हैं आगे इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम में ये एनर्जी दी गई है अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ओ हो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये डबल है भाई ये डबल दिख रहा है इस एनर्जी का और ये एनर्जी जब जब आती है तो हमारी आंखें जो फड़क जाती हैं पता चल जाता है कि ये तो सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है देखिए सेकंड ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है वो माइनस थ्री पॉइंट फोर होता है।, है ना पता है और हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की भी डबल होती है और वो टोटल एनर्जी की भी डबल होती है एग्रीड और नॉट फॉर्मूला भूल गए होंगे आप लीजिए फटाफट में साइड में लिख दू देखेगा सारे लोग देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के जेड स्क्वायर बाई आर एंड देन काइनेटिक एनर्जी का है के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर यहां मैंने माइनस लगाना भूल गया लगा दिया टोटल एनर्जी को देखिए ऐसे लिखा जाएगा माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाई टू आर तो मैग्नी देखिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मेरे दोस्तों. का होता है. यहां पर में टू नहीं आ रहा है फट 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 हमने क्या किया ये ट्रिक लगा ली माइनस सिक्स पॉइंट एट बोला है पोटेंशियल एनर्जी उससे फटाफट टोटल एनर्जी समझ गए माइनस थ्री पॉइंट फोर है और माइनस थ्री पॉइंट फोर देखिए हमने आपको पहले ही आपके दोस्त ने याद करवा दिया था हाइड्रोजन आइटम में फर्स्ट ऑर्बिट से ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट ऑर्बिट फोर्थ की एनर्जी याद रख जाओ इससे क्वेश्चन बहुत चुटकी में बनते हैं ओके सो पोटेंशियल एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन इज माइनस हाइड्रोजन आइटम देन वट इज द काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन और कितना आसान है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का हमेशा मैग्नीच्यूड सेम होगा जब मैग्नीच्यूड अगर सेम होगा मेरे दोस्त मैग्नीट्यूड सेम सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता जब ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये उड़ गया ये डेड ऑप्शन है ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला गया अब काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती तो ये ऑप्शन चला गया देखिए फिफ्टी फिफ्टी ओपी रूल आया हमेशा आएगा आप तैयार रहना वैसे हमेशा बोलने का मतलब है कि हर क्वेश्चन में तो नहीं होगा कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसमें हो सकता नहीं हो लेकिन अक्सर होता है इस मेंटेलिटी के साथ चलना है कि भाई होगा तो इसके बन गए ना चांस ज्यादा अब अपनी वैल्यू मैच करा लेते हैं जी हां थ्री पॉइंट फोर था टोटल एनर्जी माइनस थ्री पॉइंट फोर पॉजिटिव क्वेश्चन? बोलिए कैसा लगा जिन्हें पीडीएफ में सॉल्यूशन चाहिए उनके लिए पीडीएफ में सॉल्यूशन है और अलग से एनोटेशन में तो सॉल्यूशन है ही है द रेडियस ऑफ टर्म्स ऑफ द बोर बोर रेडियस एनोट इन एल आई प्लस टू इज आंसर कीजिए आप आंसर आंसर कीजिए, कीजिए, दोस्त आपको समझ जाना बोर रेडियस बोलने का मतलब हाइड्रोजन आइटम उठाइए हाइड्रोजन आइटम का ग्राउंड स्टेट लीजिए ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होता है उसकी बात की रही है उसका नाम होता है बोर रेडियस अभी अभी ऐसे ऐसे करना चाहिए क्या अभी ऐसे ऐसे करना चाहिए क्या करना चाहिए ना देखिए अभी ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बोर मॉडल है ये शॉर्टिंग मॉडल थोड़ी ना है है ना तो ऐसे भावनाओं में बह करके ये काम मत कर दीजिएगा ये बोर्स मॉडल है इसलिए ऐसे ही करेंगे अब आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन आइटम है तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एंगस्ट्रॉम जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एंगेस्ट्रॉम को क्या बोल दिया गया है ए नॉट तो जहां जहां जीरो पॉइंट टू नाइन आएगा बस वहां पर ए नॉट कर देना खत्म रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट अच्छा आर टू एल आई प्लस टू में आर टू निकालना है तो एल आई प्लस टू के लिए पुट करेंगे और यहाँ का जेड क्या है लिथियम के लिए जेड की वैल्यू है थ्री फटाफट पुट एंड गेट कर लो आर टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू है टू टू का स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाई थ्री दैट मीन के फोर और इसकी जगह करेंगे ए नॉट फोर ए नॉट बाई थ्री कितने लोगों ने बनाया दिल जीत लिया so क्या बात, क्या बात, क्या बात? Hmm. दिल जीत लिया फोर ए नॉट बाई थ्री फोर ए नॉट बाई थ्री क्या बात लव यूर लव यू सो मच लव यू सो मच ये अलग से आपके लिए बहुत ही प्यार से सोल्यूशन बना करके रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन Important और था, उस पर तो दो तीन क्वेश्चन और भी डालू चलिए इन अंपल कंटेनिंग फाइनाइट है मैंने आपको क्या बताया था दो तरह के क्वेश्चन होते हैं अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है वो समझ नहीं पाते हैं इनफाइनाइट दिया है लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स दिया है या फिर काउंट किया हुआ दिया है क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बिल्कुल काउंटिंग करके आइटम्स दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं जे एडवांस तक में पूरी उम्मीद है कि पूछ सकते हैं अपने आप में कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मुले से बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को और फॉर्मुला लगेगा नहीं यहां पर Okay, तो इन सैंपल कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन टू सिक्स दोस्तों से आना है ग्राउंड स्टेट में फटाफट फटाफट हम पहले ऑर्बिट्स बना लेकेंड फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट तक पहुंच गए सिक्स से वन में आने वाले ठीक है आपको क्या बताया था हमेशा अच्छे अच्छे स्मार्ट बंदे आप हैं आप एलिट आर्मी हैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका अपनाना देखिए ज्यादातर जनता जो है वो फॉर्मूला लगाने चले जाती है और लगाने के बाद वो लाइंस जब करती है उसको पता नहीं होता पहले तो कि लाइंस का मतलब क्या है हर लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे उसका मीनिंग है मेरे दोस्त एक ट्रांजिशन और जब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेगा अगर हायर से लोअर में आया है तो एनर्जी रिलीज करेगा और हर एनर्जी को आप जब पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म्स में दिखाएंगे

ये हमें सबसे पहले पाथ ड्रॉ कर लेना चाहिए सिक्स से वन में गए एक पाथ ये दूसरा पाथ ये है ना इस तरह से पाथ पाथ का मतलब होता है कि क्या भाई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा तो कितने तरीके से कितने रास्ते से पहुंच सकता है वन पर तो एक रास्ता डायरेक्ट जाएगा कहीं नहीं रुकेगा एक, 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 एक अच्छा मतलब जैसे आपको आपको पता है कि जैसे आप स्टेयर्स पे चलते हो छलांग मार के भी तो पार करते हो ना याद करो मैंने तो बहुत किया है सारे लोग करते हैं अपनी जिंदगी में सीढ़ियों से उतरते वक्त मतलब चढ़ते वक्त तो करना बहुत मुश्किल होता है बट सीढ़ियों से उतरते वक्त हम बड़े आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हुए छलांग मार करके सीढ़ियों को क्रॉस कर जाते हैं चढ़ते वक्त भी करते हैं दो तीन सीढ़ियां है ना यस yes. तो आपको लास्ट टाइम आपको बताया था क्वांटाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग समझाया था क्वांटाइजेशन में मैंने बताया था स्टेयर्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है स्टेयर्स का एग्जाम्पल देखो तो स्टेयर्स में सपोज दैट मेरे पास ऐसे स्टेयर्स है और स्टेयर्स में मान लो ऐसी सर जो है, वो यहां पर खड़े ठीक है अब ए के आर सर को किसी ने बोल दिया कि अरे ए के आर सर नीचे पर आलिया है आलिया आलिया तो बस ए के आर सर ने यहीं से छलांग मार दी कि भाई मुझे तो तुरंत पहुंचना पड़ेगा तो ये जो छलांग हुई बीच में देखो सारे ऑर्बिट्स को क्रॉस कर दिए लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो छलांग मारे और वहां से यहां पहुंचे पहले बोले कि भैया जान प्यारी है कि आलिया प्यारी है तो बोले कि जान प्यारी है आलियाबाद में पहले जान प्यारी हो तो पहले वहां से कूद करके यहां पहुंचे फिर यहां से कूद करके आ जाएंगे ये भी तो कर सकते हैं चलो हो सकता है कि जान कुछ ज्यादा ही प्यारी हो तो यहां से यहां कूद गया पहले बोले कि भाई आराम से चलूंगा मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं हो सकता है कि किसी ने मजाक भी किया हो तो जब हो सकता है कि मजाक किया हो तो आराम से कूद कूद करके एक एक सीढ़ी क्रॉस कर करके आएंगे सो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है अगर एके आर सर के पास इसी तरह से अगर ऑप्शन है कि एक बार में ग्राउंड स्टेट मतलब आलिया तक पहुंच सकते हैं एक ही बार में हो सकता है कि एक बार में ना पहुंच पाए बीच में रुकना पड़े जान भी तो देखनी है या हो सकता है कि वो जान अपनी ज्यादा देखे आलिया को कम देखे तो ये भी रास्ता है तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया मसाला तुम्हें मिल गया मसाला यूज करो मसाला को तो अब जो है वो ए के आर सर वाला एग्जाम्पल लगाओ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले रास्ते पहचानने पाथ पहचानने कितने पाथ पॉसिबल है सुन रहे हो कितने पाथ पॉसिबल है ये देखा करो तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें था कि फाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक आटम्स ठीक है ठीक है ठीक है इनफाइनाइट का फॉर्मुला नहीं लगाएंगे हम इलेक्ट्रॉन्स मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिक्स टू ग्राउंड स्टेट प्रोड्यूसिंग अ टोटल ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब क्वेश्चन ने सारी ही बातें ऑलमोस्ट बता दी क्वेश्चन ने बताया कि से जाना है ग्राउंड स्टेट में ये फर्स्ट ऑर्बिट है और इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ मिल रही है वो डिफरेंट डिफरेंट दस वेवलेंथ मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट दस वेवलेंथ मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट दस वेवलेंथ मिलेंगी, है ना यस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स दैट मस्ट लाइनें ही मिलेंगी अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते N into N minus 1 by 2, तो पता नहीं हो सकता है कि आप क्या क्या कर देते आ जाता फिफ्टीन अब फिफ्टीन लाइन्स तो मिल ही नहीं रही है

कि हमें ऑब्जर्वेशन में पता चला कि दस डिफरेंट लाइन है अब जब दस डिफरेंट लाइन है तो यह बताओ कि एटम्स सैंपल में कितने हैं? कितने सैंपल में एटम्स रखे जाए मिनिमम के दस स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाए अभी मुझको बताओ याद है वो एग्जांपल जिसमें मैंने बोला था कि यार अलग अलग रास्ते से हमें पहुंचना है और अलग अलग रास्ते से पहुंचना है और अगर ज्यादा या इतना ही क्यों सोचे यही वाला एग्जाम्पल है इसी के थ्रू चल सकते हैं हमें पता चल चुका है कि पहले पाथ बनाना चाहिए इलेक्ट्रॉन का तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके हिसाब से हम पाथ जो है वो डिवाइड कर देंगे और पता चल जाएगा अभी हमने दो रास्ते बनाए हैं सिक्स से वन जाने के और अभी हमें देखो एक वेवलेंथ यहां मिला दूसरा वेवलेंथ ये भी है और ये तीसरा वेवलेंथ है हमारा और मैं सोच रहा हूं कि कलर चेंज कर दूंगा लेमडा वन लेमडा टू व्हाइट से कर देंगे बट चलो पहले पाथ बनाते हैं

और थर्ड से फिर फर्स्ट में कितने डिफरेंट वेवलेंथ वेवलेंथ हो गए ये वेवलेंथ है, फोर, ये डिफरेंट वाली लाइन और फिर ये भी डिफरेंट है पांच वेवलेंथ हो गए ना नोट करते जाना अच्छा क्वेश्चन जैसे ही बोलू मैं फटाफट -पड़ कॉपी पेन लेकर के स्टार्ट हो जाएगा करना नहीं तो अगर लाइव में नहीं सीखा मेरे दोस्त तो फिर दिक्कत होगी फिर रिपीट करना पड़ेगा बोरियत आएगी लाइव में साथ साथ सीख जाओ मैं सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम देता हूं अच्छे क्वेश्चन पर चिंता ही नहीं करनी भागम भागी मैं कभी नहीं सॉल्व कराऊंगा एकदम आराम से एकदम अच्छे से So, चलते नेक्स्ट पांच वेवलेंथ हो चुके हैं पांच और मिला अच्छा तीन रास्ते हमने तीन रास्ते क्रॉस किए ठीक है और हमने अभी पांच वेवलेंथ कवर किए अगर हमें ज्यादा एक ही रास्ते से ज्यादा वेवलेंथ मिलने लगे तो हम मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स लाने के लिए उस रास्ते को फॉलो करेंगे देखना अब मैंने क्या किया हट जाए यार प्लीज हाँ एक और रास्ता दिखाया आपको ऐसे भी चल सकते हैं हम बट इसमें भी दो वे अब थोड़ा ना मैंने स्मार्टनेस करनी है दो हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सपोज दैट मेरे पास अगर ना अभी, अभी तक मेरे पास अगर चार अगर मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन होते जब सुनना ध्यान से मुझे ऑप्शन दिख रहे तीन चार पांच छह के तो मेरे पास अगर चार इलेक्ट्रॉन होते और मैं सबको अलग अलग रास्ते से भेजता देखो चार इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों को अगर तुमने फर्स्ट रास्ते से भेज दिया तो तुम्हें सिर्फ एक वेवलेंथ मिलेगी चारों इलेक्ट्रॉन सेम वेवलेंथ देंगे कौन सा लेमडाडा वन लेमडा वन, 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 वन चारों इलेक्ट्रॉन तो ऐसा तो मुझे करना नहीं मुझे दस चाहिए तो चारों को अगर एक रास्ते से भेजेंगे तो एक ही मिला ऐसा नहीं चाहिए यार चारों को अलग अलग रास्ते से भेजें और कम से कम इलेक्ट्रॉन का यूज करते हुए मैंने तो चार बोला यहां पर मिनिमम आंसर है थ्री

फिर दूसरे रास्ते से जाने पे मुझे दो वेवलेंथ अलग अलग मिलते फिर तीसरे रास्ते से जो इलेक्ट्रॉन जाता मुझे दो अलग अलग वेवलेंथ देता अब फिर से इस रास्ते से कोई इलेक्ट्रॉन जाता तो मुझे दो वेवलेंथ मिलते ऑल ऑल इन आल अभी तक मुझको सेवन मिलते तो मैंने सोचा यार ये रास्ते ना काम नहीं कर रहे हैं मुझे थोड़ा रास्ता ना चेंज करना चाहिए कौन सा रास्ता फॉलो करना चाहिए पांचवी पांचवी बार में मुझे अकल आ गई मैंने बिल्कुल ब्रेकअप जर्नी बना दी कि देखो रास्ता तो वही है

वेवलेंथ जो है मैं फ्रेश लिखूंगा सो दैट के जो टारगेट है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन में ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ आ जाए वो मेरा पूरा हो जाए तो हम आए फटाफट फटाफट यहां से नंबरिंग शुरू की पांच मिल गए। अब पैरेलली सोचना शुरू किया और कोई रास्ता हो सकता है सो एक छठा रास्ता सोचते हैं है ना ऐसा सोचते हैं ज्यादा ज्यादा मिलने चाहिए इसमें तो ब्रेकअप जर्नी अब जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से किया यहां से यहां आ गए फिर यहां से यहां आ गए फिर यहां से आ गए अब सोचा अब सोचते हैं ये वाला डिफरेंट है क्या यहां से हां इसके जैसी लाइन यहां पर नहीं है तो मैंने इसको नाम दिया लेमडा सिक्स फिर ये वाली मिल गई लेमडा थ्री के जैसी है तो इसको काउंट करके फायदा नहीं जो कॉमन है जैसे उसको काउंट नहीं करेंगे ये वाली डिफरेंट है यहां से हाँ ये हो सकता है लेमडा सेवन ठीक है अभी तक मैंने कितने रास्ते यूज किए दो रास्ते ये पांचवा वाला इसको वाइट कर देते हैं और एक ये जो छठा बनाया हम कोशिश कर रहे थे पहले जो भी मिल तो अभी तक मुझे कितनी मिल गई सेवन मिल चुकी है दो ही बार में पहले पांच रास्ते बनाए थे तब जाकर के पहले चार रास्ते बनाए थे तब जाकर के सात लाइन मिलती अभी तो दो ही लाइन बनाई उसी में पैकअप कर दिया सात स्पेक्टर लाइंस मिल चुकी हैं अब सोचते हैं कि ऐसा रास्ता एक ऐसा रास्ता सोचते हैं जिसमें कि तीन डिफरेंट मिल जाए अगर तीन डिफरेंट मिल गया और इन सातों से डिफरेंट होना चाहिए ये मुश्किल काम है अगर सातों से डिफरेंट हो गया मजे ही मजे मजे ही मजे तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा हो सकता है अगर मैं यहां से यहां चला अरे यार लेमडा वन से मैच कर गया ये काम नहीं करेगा फिर मैंने सोचा यहां से अगर स्ट्रेट अगर यहां चला जो हाँ ये हो सकता है इस रास्ते को अगर मैं फॉलो करूंगा तो एक लाइन डिफरेंट मिल सकती है लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ही लाइन मिली डिफरेंट मुझे कम से कम तो दो डिफरेंट लाइन मिले तब तो मजा है ना यार कम से कम से कितनी लाइनें डिफरेंट मिलनी चाहिए दो मिलनी चाहिए तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया कि क्यों यूज करूं मैं मैं क्योंकि अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करता देखना इस रास्ते को अगर फॉलो करूंगा ये पहले से लेमडा वन है मिल चुका है मुझको ये लेमडा फाइव है पहले से मिल चुका है तो यार दो लाइन सेम मिल गई एक तीसरी मिली है लेकिन मैं उसको लेने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि मेरा रास्ता जो है इस रास्ते पे जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे, एक और चाहिए. तो तीन इलेक्ट्रॉन में ही दस स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाए लेकिन वो मिल नहीं पा रही है पता चल रहा कि नहीं मिल पा रही है मैं जो तीसरा रास्ता सोच रहा हूं उसको मैंने ना कैंसिल कर दिया यहां पर कोई मैं नंबरिंग नहीं कर रहा फिर मैं सोच रहा हूँ इस रास्ते को उठा सकता हूं क्या व्हाइट मैंने पहले येलो वाला बनाया था बट येलो वाले से बात नहीं बन रही थी फिर मैंने व्हाइट वाला बनाना शुरू किया व्हाइट वाले से दो इलेक्ट्रॉन में मुझे मिल चुके हैं दो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इस रास्ते से जा रहा है और जो वाले रास्ते से जा रहा है उससे मुझे सेवन लाइन्स मिल चुकी है अब मुझे चाहिए तीन लाइन्स और मैं कोशिश कर रहा हूं एक ही इलेक्ट्रॉन से मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन से तीन मिलने वाली नहीं है मैंने बनाने की कोशिश की नहीं हुआ मुझे समझ में आ गया दो इलेक्ट्रॉन से मुझे टोटल

तो एक इलेक्ट्रॉन को सिक्स वाले रास्ते से एक इलेक्ट्रॉन को फोर्थ वाले रास्ते से एक इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ वाले रास्ते से अगर ऐसे भेजेंगे तो हमें अब तक तीन इलेक्ट्रॉन में फिर कितनी मिल जाएंगी नाइन वेव मिल जाएंगी क्योंकि ये दोनों है. ये दोनों दोनों डिफरेंट डिफरेंट है है ना तो मैं मार्क भी कर दो लेमडा एट डिफरेंट है क्या ओ भाई साहब डिफरेंट नहीं है डिफरेंट नहीं है थोड़ा सा संभल करके सॉरी माई बैड बट कोई नहीं वो चार चार इलेक्ट्रॉन्स पे बात बनने वाली है वो तो दिख गया है शायद आप भी समझ गए होंगे समझ गए क्या नहीं समझे तो यहां पर देखना ये जो ना है ना लेमडा जो हमने यहां बनाया था सिक्स वाले में दिख रहा है? यस तो फिर एक काम किया जाए कि सिक्स के आगे जो है मैं इसे लेमडा एट बोलता हूं जो नया रास्ता जो फोर्थ वाला रास्ता तो उसमें सेम आगे वेवलेंथ एक ही वेवलेंथ मिल पाई है कोई नहीं तो थर्ड वाले पे जाते हैं yes! यस अब थर्ड वाले से समझ में आ गया कि अब फाइनली हमें थर्ड वाला रास्ता अगर हमने यूज कर लिया तो ये बिल्कुल डिफरेंट वेवलेंथ है तो ये एक बन गया लेमडा नाइन यस yes. सही है हाँ मैच नहीं कर रहा कहीं पे मैच नहीं कर रहा कहीं पे क्या ये इससे मैच क्या नहीं किया क्या इससे मैच क्या नहीं किया अब चलते आगे लेमडा नाइन उसके आगे उसके आगे अगर ये रास्ता अपनाया तो क्या ये कहीं मिल चुका है ओ भाई साहब मिल चुका है कितने सेवन है से पता चल रहा होगा आपको माथा पच्ची अच्छी पता चल रहा है ना मैंने बताया था आपको कि देखो पता है क्या बोर्स मॉडल जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे इतने अच्छे लेवल पे नहीं बनेंगे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं लेकिन जब आप स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन बनाओगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे

शायद अब चूंकि मेरे पास अब रास्ता मतलब एक आर सर को हटाना पड़ेगा तब जाकर जो है वो और रास्ते दिखाई देंगे बट होपफुली होपुली मेरे पास ये बना हुआ भी होगा डायग्राम आपको समझाने के लिए तो तो मैंने रखा ही ही हुआ हुआ है है बट बना डायग्राम डायग्राम अपने पास तो बने हुए से क्लियरली समझा देते हैं बिकॉज इसका तो पर्पस ये था आपको ये बताना कि देखो इतना सोचना पड़ता है एक बार तो आपको करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे सोचना पड़ता है इसको लेंदी मत समझना मेरे दोस्तों मेरा सच्चे दोस्तों हो तो इसको लेंदी नहीं समझना एक बार पहली बार में

रास्ते बना बना के समझना पड़ेगा कि कितनी लाइन हम मैक्सिम ला सकते हैं कितना बोला गया कितना इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं तो जैसे मैंने अभी तीन चार लाइने यूज की अगर सपोज दैट कि आपने ऐसे ही सोच लिया होता एक रास्ता ये वाला फॉलो कर लिया होता याद है जिसमें मैं बता रहा था एकदम ब्रेकअप जर्नी ले लो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पांच मिल गए यहां से नेक्स्ट वो लिया अभी जो चूज कर रहे थे दूसरे चूज कर रहे थे तीन में हम भी पहुंच गए थे नाइन तक तीन इलेक्ट्रॉन लेकर के हम भी नाइन तक पहुंच गए थे दसवें के लिए कोई भी यूज कर लो पॉइंट यह है, चार इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए जितनी मेहनत हम कर रहे थे चार इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इस रास्ते से भेजो एक इलेक्ट्रॉन को इस रास्ते से भेजो सबको अलग अलग रास्ते से भेजो लेकिन कम से कम चार इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर तुम्हें दस अलग अलग डिफरेंट वेवलेंस लानी होंगी अगर लानी है तो तीन इलेक्ट्रॉन में बात नहीं बनती वो हम यहां पर भी देख रहे थे तीन इलेक्ट्रॉन में बात नहीं बन रही थी तीन इलेक्ट्रॉन बात नहीं बन रही थी हम तीन इलेक्ट्रॉन में मैक्सिम कहां तक पहुंच पा रहे थे नाइन तक अगर क्वेश्चन यह बोलता कि कम से कम कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर मुझको अगर मुझको चार स्पेक्ट्रल लाइन सॉरी पांच स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए आप एक बार सोच करके बताओ क्लियर डायग्राम के पास वापस चलते हैं क्वेश्चन अगर मैं ये पूछता फॉर सेम ट्रांजिशन फॉर सेम ट्रांजिशन फॉर सेम ट्रांजिशन सेम ट्रांजिशन ऑफ सिक्स टू वन सिक्स से वन में आना है ग्राउंड स्टेट में आना है मिनिमम नंबर ऑफ electrons, मिनिमम नंबर ऑफ electrons विच आर रिक्वायर्ड फॉर फाइव स्पेक्टर फॉर फाइव डिफरेंट स्पेक्टर lines टू बी ऑब्जर्व क्या आंसर होता चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दो। ओ भाई साहब, देखा? एक स्पेशल शॉर्ट आउट तो सबके लिए बनता है रिया इंद्रजीत एपोक्रिफल और अब चैट बॉक्स में बाढ़ आ चुकी है सो so, नाम पढ़ना मुश्किल है फिर भी मैं पढ़ूंगा शॉर्ट आउट टू तो एवरी बिकॉज के आप जितने लोग अभी वन 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 लिख रहे हो ना सब मेरे सच्चे दोस्त हो लव यू ऑल लव यू सो 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 मच अलग से मेरे पास मेरे से लिखवा लो आई लव यू सो मच यार इतने पेशेंस वाले टाइम पर आपने पेशेंस दिखाया और इतने ध्यान से सुना ओ मेरे दोस्त आप तो सिर्फ दुआओं से पास कर जाओगे आई टी आप दुआओं से यही पास कर जाओगे यार इतना अगर आप दिल से लगे रहोगे तो सो so, ये पॉइंट था भाई सिर्फ एक 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 इलेक्ट्रॉन काफी है सैंपल में सिर्फ एक एटम काफी है सिर्फ एक एटम का अगर सैंपल होता है एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम अगर सैंपल में एक एटम होता है तो हमें पांच मिल सकते पांच वेवलेंथ मिल सकते हैं फिर मैं पूछता 6 मुझे कम से कम 6 स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए अब बताओ 6 स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए अब बताओ कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम कितने एटम चाहिए सैंपल में कम से कम कितने एटम चाहिए कम से कम कितने एटम चाहिए दो दीपिका लव यू सो मच दीपिका शुभम इंद्रजीत प्रारुषि अरे यार बाढ़ आ गई लव यू सो मच गाइस लव यू सो मच लव यू सो मच अब 10 के लिए आंसर है 4 10 के लिए आंसर है 4 6 के लिए कम से कम दो चाहिए के लिए कम से कम दो चाहिए कम से कम दो चाहिए है ना क्योंकि एक से तो नहीं आ सकता इसी तरह से करना होता है और अगर फटाफट डायग्राम बनाना सीख गए तो आपको यह जर्नी जितनी ज्यादा होगी ब्रेकअप जर्नी जितनी ज्यादा होगी है ना ब्रेकअप जर्नी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा स्पेक्टर लाइन ब्रेकअप जर्नी जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा है ना उतने ही ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइन जितना ब्रेकअप कराओगे बीच में रास्ते में उतनी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी आपको यस ये थी ना बात हाँ। गुड 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 अच्छा कोई नहीं ये तो हमारा वही है ठीक है अब यहां पर शायद लास्ट क्वेश्चन है ये आंसर तो नहीं देखा ना देख लिया क्या मत देखना प्लीज भूल जाओ आंसर इन हाइड्रोजन आइटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनथ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाई ट्रांजिशन मल्टी स्टेप्स

सारे इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनथ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाई ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स इफ देर आर टोटल अगर आप जा रहे हो हायर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट ठीक है और यहां पर n नॉट इक्वल टू 1 है तब क्या फार्मूला आता है n हायर माइनस एन लोअर मल्टीप्लाइड बाई n हाइयर माइनस लोअर प्लस वन, टू। दोनों फॉर्मूले डन है अभी क्वेश्चन ने क्या बोला था कि कहां पर आना है यहां और टोटल आंसर कितना है टेन। तो है तो ऑब्वियसली पता क्या पुट करना क्योंकि अच्छा ये मैंने खास करके लिखवाया कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको अरे क्वाड्रेटिक में सॉल्व मत करना यहां पर से दो बातें सॉल्यूशन सोल्यूशन से दो बातें सोल्यूशन मैंने रखवाया इससे दो बातें है, है ना टू थिंग्स दैट यू मस्ट नोट क्या पहले पहली बात सी दिस फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड कैन बी कन्वर्टेड ये फॉर्मूला होता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए अभी दिखाया था पिछले पेज पर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू कैसे एक की जगह पर एन पुट कर दो एक की जगह पर वन पुट कर दो पुट करो एन माइनस वन एन एन माइनस वन आया अब एन माइनस वन प्लस वन एन माइनस वन प्लस वन क्या आएगा एन आ जाएगा आएगा ना वो एन यहां पे लिख दो डन तो सेम फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो दोनों फॉर्मूला एक तरह से सेम ही है बट अगर ग्राउंड स्टेट में जाना है तो ये जो फॉर्मूला होता है बड़ा वाला जिसको के मैंने बोला एन टू माइनस एन वन करके बेटर है कि इस फॉर्म में याद रखो कहीं उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए एन हायर माइनस एन लोवर इन टू एन हाइयर माइनस एन लोवर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इससे आप यहां पहुंच सकते हो बस एन हाइयर को एन पुट कर दो और एन लोवर जो आपका ग्राउंड स्टेट है उसको पुट कर दो देखो वो फॉर्मुला दूसरी बात है ये ये पहली बात थी यहां पर फर्स्ट थिंग थिंग कि कोई क्वाड्रेटिक तो सॉल्व नहीं करता ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है अगर यहां पर आंसर टेन है तो मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा मुझे पता चल रहा है अच्छा नीचे में टू है तो ये जो प्रोडक्ट वो आना चाहिए कितना ट्वेंटी ट्वेंटी कैसे आएगा एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें माइनस वन करके मल्टीप्लाई करना और ट्वेंटी होता है, तो इनकी 5 हो है चुके ना टू इंटू टेन करना है ठीक है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में मत जाना फिर तो टाइम लग जाएगा एक और बात देखो एनसीईआरटी में जो स्पेक्ट्रम जैसे ही आप पेज स्पेक्ट्रम वाला पढ़ना शुरू करोगे ये पेज आपको दिखाई देगा ये डायग्राम आपको दिखाई देगा एग्जैक्टली एनसीईआरटी का

तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपको दिख रहा है कि ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा के बीच में एनसीआरटी ने पूरा अरेंजमेंट दिखाया हुआ कि अगर आपको स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ अगर आप जाओगे तो विजिबल रेंज है यहां पर विजिबल विजिबल रेंज मतलब कि वो स्पेक्ट्रम वो वेवलेंथ जो हमें दिखाई देती है जो हमें दिखाई देती है वो यहां से स्टार्ट होगी 400 से और कहां तक जाएगी फोर हंड्रेड से कहां तक जाएगी अप्रोक्सीमेटली यहां तक और ये जो वैल्यूज है वो नाइनोमीटर्स में एंगस्ट्रॉम में चेंज करने आता है ना वन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना लिखेंगे हम फटाफट बताना जल्दी से जीरो पॉइंट वन नाइनोमीटर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ना जीरो पॉइंट वन नाइनोमीटर जरा देखना सही है यस yes.

भाई रेडियो मिर्ची वगैरह जो है वो इस, इस फ्रिक्वेंसी पर इनका प्रसारण होता है लॉन्ग रेडियो वेव्स और आप बड़े होते जा रहें। देख रहें, वेवलेंस और बढ़ते जा रहे ओके okay, ये चीज दिखाने थी बिकॉज के ये एनसीआरटी में दी हुई दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक अब इसके बाद जो है वो बहुत मजे हैं ये लास्ट चीज सीख लो बस क्या लास्ट बात है अलग अलग जो हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना ये सब है ना ये जो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं हम जिसमें कि हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को जंप करते हुए दिखाते हैं ऊपर से नीचे उसका मीनिंग हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की उसका मतलब होता है कि एनर्जी की लाइन एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू तो एनर्जी हमें एक वेवलेंथ मिलेगी तो अब हम बोलने लगते हैं वेवलेंथ की लाइन है हमें पता है कि एक्चुअली ये एनर्जी शो करती है एनर्जी के साथ साथ वेवलेंथ है हम पहले एनर्जी कंपेयर कर लेंगे अगर दो लाइनें दी गई हैं ऐसे सपोज दैट मुझे बताना तो दो लाइनें दी गई हैं तुम्हें ए और बी इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है आपको पता है पहले हम देखते हैं कि कौन ज्यादा नीचे गई है इनका जो डेप्थ है वो सेम है जब डेप्थ सेम है तो हम फटाफट -फड़ उनकी लेंथ देख लेते हैं मुझे एक बात बताओ यहां पर भी ढेर सारी लाइन है मैं आपको कोई भी दो लाइन कंपेयर करने के लिए दूंगा एनर्जी में आप सबसे पहला काम क्या करते हो सबसे पहले मेरे दोस्त एनर्जी कंपेयर करने के लिए हमें डेप्थ देखनी है देखो यहां जो भी लाइंस हैं उनसे ज्यादा एनर्जी इन सब की है इन सब की है क्यों है क्यों है बताना इसलिए क्योंकि ये सारी नीचे जा रही है ग्राउंड फ्लोर पे जा रही है ग्राउंड फ्लोर मतलब <laughs> ग्राउंड स्टेट पे जा रही है ग्राउंड फ्लोर समझते ग्राउंड स्टेट तो भाई ग्राउंड स्टेट तक जा रही है एनर्जी ज्यादा होगी

मैं कितना लिखूं वेरी 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 अब आप बोलोगे सर छोड़ दो इन्फेनाइट कर दो नहीं इन्फेनाइट भी तो नहीं बोल सकते हम इतना भी नहीं है इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है एक ऐसा पॉइंट है ना जिसमें कि एक तो मैंने आपको जो अभी जो वो जो हमने बहुत अच्छा सा जो क्वेश्चन बनाया एक वो पॉइंट है मतलब वो सब पॉइंट्स बिल्कुल पता नहीं होते लोगों को और सिलेबस की चीज और विदाउट कैलकुलेशन बनानी होती है वो सब सोच सोच के सोच सोच के अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है दूसरा ये यहाँ पे जो बात है और वो इनसेटिंग बताई गई और लोग इग्नोर करते हैं पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं ऐसी चीजें जो एकदम आपको क्रश कर देगी खत्म कर देगी कैसे पहले सुनिए देखिए है क्या कि आप यहाँ पे ग्रुपिंग देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि लाइन चाहे कहीं से भी आई हो इनफाइट से आई हो लेकिन आकर के रुक रही है कहां पर ग्राउंड स्टेट में लाइंस का जो एंड है जो फाइनल ऑर्बिट है वो है वन तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जितनी भी वेवलेंस होंगी जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी दोस्त अगर उनका फाइनल ऑर्बिट वन बिलोंगिंग टू द लाइमे सीरीज और लाइमे सीरीज इनकी जो एनर्जी होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस के अल्ट्रावायलेट लेस की एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज मुझे लेस निकल रहा है सॉरी फॉर दैट लेस खाने का मन कर रहा सो अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनकी एनर्जी इन लाइंस की एनर्जी के बराबर होती है और एनर्जी का डिस्कशन आया आपने देखा था अभी कि विजिबल लाइन का जो का जो वेवलेंथ था देखिए तो ये विजिबल यहां पर है इनका वेवलेंथ जो है 400 से 750 है यानी ये जो रेंज है वो 400 से 750 का रेंज है ये रेंज तो अल्ट्रावायलेट का क्या होगा 400 से छोटा

वो सब लाइमन सीरीज की लाइन कहलाती है और जिनका भी फाइनल है हाइड्रोजन एटम में आप देख रहे हर एटम के अंदर सेम वेवलेंस नहीं आएंगी आपको पता है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम का सेकंड ऑर्बिट उठाऊं है हाइड्रोजन एटम का सेकंड ऑर्बिट उठाऊं तो उसके लिए एनर्जी आएगी माइनस पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर उसमें माइनस पॉइंट सिक्स इंटू वन बाई एनर्जी निकालेंगे तो रहेगा बट जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर अब एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ कितनी आ जाएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स आ गया तो अगर सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे तो वही Lines जो कि हाइड्रोजन की है और वही जो कि हीलियम की है सेम एनर्जी नहीं होगी अलग अलग होगी तो यहां डिस्कशन हाइड्रोजन का है गलती से भी इसको हीलियम के लिए मत मान लेना या दूसरे आइटम्स के लिए मत मानना यहां जो भी डिस्कशन चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है ये लाइमन मतलब लाइमन और बालमर तो कोई भी स्पेश ले लो लाइमन बालमर कोई भी स्पेश ले लो अगर एनर्जी लाइन फर्स्ट में आकर के खत्म हो रही है फाइनल ऑर्बिट वन है तो चाहे कोई भी स्पेसिस हो उन लाइन का नाम होता है लाइमन सीरीज अगर फाइनल तो तो ऑर्बिट उसके आगे एनवल टू फोर वाले का क्या होता है Bracket. Bracket. और क्या होता है आगे सब पता है आपको यह मुझे भी पता है क्योंकि फाइनल ऑर्बिट अगर एन एफ इजल टू थ्री है तो उसको क्या बोलते हैं है। सीरीज़ है, तो वो ब्रैकेट है और अगर एन तो वो पी फंड सिम्पली फंड भी बोल सकते हैं अब मुझे ये बताओ सपोज दैट मैंने दिया तुमको हिलियम प्लस वन हीलियम के अंदर ट्रांजिशन दिखा रहा हूं मैं और ये ट्रांजिशन है फिफ्थ और्बिट, फोर्थ और्बिट, थर्ड और्बिट, सेकेंड और्बिट से से है सेकेंड ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया क्योंकि से से में जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे बट फिफ से से मैंने जो लाइन दिखाई है ये कौन से सीरीज को बिलोंग करती है फटाफट फड़ बताओ आपने फट से दिखा एन ए फल टू टू एन ए फिजल टू टू ओह मतलब बालमर सीरीज बट हाइड्रोजन आइटम का जो बालमर सीरीज है

क्योंकि Z का पंगा है अलग अलग Z की वैल्यू होती है हीलियम की Z की वैल्यू है टू हाइड्रोजन की Z की वैल्यू है वन ऑर्बिट सेम रख दोगे लेकिन जो डिफरेंस है ऑर्बिट का वो भी सेम रख दोगे लेकिन Z की वैल्यू तो डिफरेंट है ना तो बालमर सीरीज की जो एनर्जी है हाइड्रोजन की और जो हीलियम की वो सेम नहीं होगी अलग अलग स्पेसिस की अलग अलग होगी लेकिन ये जो डिस्कशन है और ये जो कलर्स हैं ये कलर्स स्पेशली किसके लिए हाइड्रोजन आइटम के लिए स्पेशली हाइड्रोजन आइटम के लिए अब इनके कलर्स को यहां जो बालमर सीरीज का जो अलग अलग जो कलर दिखाया गया ना वो तुम्हें ध्यान में रखना होगा यही मैं बता रहा था कि ये एक ऐसी गलती है जो हर स्टूडेंट करता है एटमिक स्ट्रक्चर में एनसीआरटी से यही बात नहीं देखता है। मैं चूंकि बहुत ज्यादा एनसीआरटी के पॉइंट्स को उठा उठा के दिखाता हूं क्योंकि भाई मेंस में बहुत पूछते हैं तो मैम मिस नहीं होने देता

ऑलमोस्ट सारी जनता मिस करती है अगर मुझसे नहीं पढ़ा है तो पक्का मिस करेंगे <laughs> तो ये देखो क्या पूछते हैं जिसमें फर्स्ट जाते हैं आप पूछा ये जाता है पूछा ये जाता है कि अगर फॉर हाइड्रोजन आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज या बिलोंग्स टू जैसे मैंने लिख दिया इज ग्रीन ज्यादा ही छोटा कर दिया मैंने क्वेश्चन को बोल सकते हैं फॉर हाइड्रोजन आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन बिलोंग्स टू ग्रीन स्पेक्ट्रल लाइन अब ऑप्शन दे देते हैं आपको अलग अलग ऑप्शन दे देते दे हैं दे। आपको जैसे यहां पर दिख रहा है फोर से आए व टू में ऐसा ऑप्शन दे देते दे दे? फोर टू वन एक ऑप्शन दे दिया बी फिर दे देते दे 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 फोर से थ्री सी थ्री से टू फोर से टू आप बताओ कौन सा ट्रांजिशन है जो कि ग्रीन है से टू आप इसलिए बता पाए मेरे दोस्त क्योंकि यहां डायग्राम दिखा दिया गया नहीं तो कलर तो पता ही नहीं होता है सारे लोग देखो फॉर्मुले से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मुले वाले सारे काम कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा एनसीआरटी का डेटा एनसीआरटी ने दिखाया है कि बालमर सीरीज में जो अच्छा ऐसे भी पूछते हैं जैसे मैंने तो आपको बोल दिया ना कि ग्रीन कौन है हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ दे कि बालमर सीरीज में जो दूसरी लाइन है देखिए लाइमन सीरीज की पहली लाइन ये होती है पहली लाइन का मतलब जो सबसे क्लोज ऑर्बिट से शुरू हो देखिएगा यहां पर लाइमन है। लाइमन सीरीज 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 की पहली लाइन लाइन बताइए फटाफट कौन सी लाइन है? लाइमन है 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 में फाइनल ऑर्बिट हमेशा होता ना तो पहली लाइन होती है टू से वन लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन कौन सी है लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन है थ्री से वन अब थ्री से टू मत कर देना क्यों थ्री से वन टू नहीं करेंगे क्योंकि भाई फर्स्ट ऑर्बिट अगर नहीं दिखाया फाइनल ऑर्बिट तो वो लाइमन सीरीज नहीं होगा अच्छा लास्ट लाइन कौन सी होगी लास्ट लाइन होगी इनफाइनाइट से वन तो तक आना है तब एनर्जी का कैलकुलेशन करना है ओके okay? नेक्स्ट अगर आप आपसे यहां पूछा जाता है कि पहली लाइन कौन सी है तो देखिए पहली लाइन फर्स्ट लाइन इज रेड और रेड जो लाइन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है थ्री से टू में आने के लिए और जो ग्रीन है वो फोर से टू के लिए और ग्रीन वाली जो है वो सेकेंड लाइन है अगर मैं बोलता बालमर सीरीज की लास्ट लाइन बताओ अब बताओ लास्ट लाइन बालमर सीरीज की लास्ट लाइन बताओ तो गलती से भी वायलेट मत कर देना वायलेट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है ये फोर्थ लाइन है हमेशा किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है वो इन्फाइनाइट से आती है किसी भी सिर... अब गड़बड़ कर रहे हो हाँ रेड रेड लिख रहे हो हिमांशु हम पंचल जैसमिन नहीं लिखना है भाई वायलेट नहीं लिख सकते मेरे दोस्त क्योंकि देखो ये फर्स्ट लाइन है थर्ड ये फोर्थ है इनफाइनाइट से आएगी एनसीआर ने इस डायग्राम में इंफाइनाइट वाला नहीं दिखाया तो इन्फाइनाइट वाले नहीं दिखाए क्योंकि एनसीआर वो डिस्कस नहीं कर रही थी लास्ट लाइन मतलब के इनफाइनाइट से वन अच्छा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी सपोज दैट मैंने पूछा बालमर सीरीज में पहली लाइन की एनर्जी ज्यादा होती है लास्ट लाइन की एनर्जी ज्यादा होती है ये चॉकलेट क्वेश्चन बनेगा कौन दे रहा एनर्जी ज्यादा होगी किसी भी सीरीज में फर्स्ट लाइन की एनर्जी ज्यादा या लास्ट लाइन की करेक्ट आंसर इज फ्रॉम सृष्टि सृष्टि मेरे दोस्त गूगल पे ले लेना ले पटाफट पड़, मैसेज मारो गूगल पे ले लो और लेट करोगे फिर फंस जाएगा फिर चॉकलेट मारा लव यूर गाइज लव यू सो मच

अब हम चल रहे ड्यूअल नेचर की तरफ बट आ, मैं उस बीच में आऊँगा आकर के फिर जो है क्वेश्चन वापस जो है वो एक दो और बोर्ड मॉडल के दूंगा वेवलेंथ पर बट उससे पहले जो है वो यार ये किसने किया यार यार मुझे पूछना पड़ेगा टेक टीम से ये क्या है ये किसने कर दिया है बट आ, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि बदला तो लिया जाएगा एक दिन हर्ष सर ने हमें भी रोस्ट किया था मोहित मोहित याद है किसी को बड़ा वायरल हुआ अब आज के दिन जो है ये वायरल होने वाला है बोला था आपको आज मसाला मिलेगा <laughs> अब जो है भाई सृष्टि पूछ रही है ये क्या है उब्स <laughs> ये हमारे प्यारे, प्यारे प्यारे परम पूजनीय हर्ष प्रियम सर जिन्हें प्यार से हम बाबा भी बोलते हैं और बाबा के चरणों में जो है हमारी जो है वो क्या कहते हैं हर सर अपने बड़े फेमस है भाई और आप देखोगे वेदांत मैथ पर तो भाई जो जय जयकार होती है सर की क्या बात है सर ने तो मचाया एकदम क्या बहुत ही फेवरेट है हमारे और हमारे बहुत ही परम पूज्य गैंगस्टर बाबा ओके सो दिस वाज समथिंग यार अमेजिंग कैसा लगा कैसा लगा आपको मेरा मतलब मेरा नहीं है ऑब्वियसली यार ये टीम ने बना करके डाल दिया बीच में तो हमें बस थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका देने के लिए एंड आज ही आज गाना भी रिलीज हुआ है पर और बच्चों तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी एडिटिंग सीख ली है यार तुम लोग से बहुत खतरा बढ़ गया तुम लोगों ने बहुत एडिटिंग सीख ली है तुम लोग ने इतनी अच्छी एडिटिंग सीखी क्या है यार तुम लोग पढ़ाई नहीं करते एडिटिंग पे ध्यान दिया था तुम लोग ना अपने अपने, अपने यूट्यूब चैनल के लिए तुम लोग मसाला तैयार करते हो एडिटिंग के तुम लोग जो है हीरो हो गए हो खतरनाक एडिटिंग करने लगे हो हम्म ओके तो बिहेवियर ऑफ मैटर पे जाए <laughs> उससे पहले देखिए क्या है कि एक बच्चा जो है वो डाउट में डाल भी रहा है और मैं भी सोच रहा हूं कि चलो आपको स्वाद तो बहुत मिल गया तो एक काम करते हैं एक बच्चा पूछ रहा है कुछ उस डाउट को ना मैं निकाल देता हूँ उसको छोड़ता नहीं क्योंकि आप फिर जो है तंग हो जाओगे तो लेट मी टेल यू दैट के वट इज रेड कॉन्स्टेंट रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो क्या होता है वो बताते हैं आपको फट फटाफट सुन लीजिए आप है ना रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है बट कैसा लगा बताओ तो <laughs> भाई टीम ने तो आज ओह पीछा नहीं छूट रहा आज तो <laughs> आज तो <laughs> चलो यार पढ़ा लेता हूं फिर हंसते हैं थोड़ा ओके okay, तो जानना है कि ये क्या होता है ये रिडबॉक्स कॉन्स्टेंट है ना रिडबर्ग्स कांस्टेंट क्या है इसके लिए आ, इसके लिए आपको क्या करना है कि याद करना है कि अगर आपको दो अलग अलग कोई ऑर्बिट में रैंडमली दे दूँ मैं नहीं बता रहा कि ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है मैंने बोला यार ये ना ये कोई ऑर्बिट है सपोज दैट ये हाइयर ऑर्बिट है ठीक है और कोई लोअर ऑर्बिट ले लेते हैं अब जी कौन सा ऑर्बिट नंबर है नहीं पता है अब अपने मन से थर्ड और सेकंड मत करने लगना है मुझे बताओ कि यहां जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो एनर्जी जो डेल्टा ई होगी जो एच न्यू के फॉर्म में होगी उसको तुम दिखाओ वो जो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है उसके टर्म्स में तो तुम कैसे दिखा सकते हो रास्ता है हमारे पास देखो डेल्टा ई के लिए हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं हाइयर माइनस ई लोअर ठीक है e e तो हायर जो है उसके लिए लिखेंगे माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू अब ये कौन सा आइटम है नहीं पता है तो इसका एटमिक नंबर जेड मान लिया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एग्रीड माइनस माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन लोवर स्क्वायर स्क्वास कॉमन निकालना शुरू करो थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वाई एन लोअर स्क्वायर माइनस वन बाई एन हाइयर स्क्वायर देखा यह आ गया रिलेशन सुना ये डेल्टा ई -E को दिखाने का यह तरीका फटाफट देखो दिख रहा है हम्म ध्यान से देखो यहां से रेडबर्ग वाला पार्ट आने पार्टी बट पहले ये ये देखो डिफरेंस निकाल लोगे अगर मैं तुमको बताऊं कि Z की वैल्यू सपोज दैट कोई बेरिलियम प्लस थ्री होता क्योंकि हाइड्रोजन एटम होगा ऐसा तो जरूरी नहीं अगर बेरिलियम प्लस थ्री होगा तो Z की वैल्यू फोर हो जाएगी तो तुम्हें Z की वैल्यू फोर पुट करनी पड़ेगी फिर मैं बताता कि लोअर ऑर्बिट जो है वो वो सिक्स ऑर्बिट है और हाइयर ऑर्बिट जो है वो टेंथ ऑर्बिट है तो तुम हायर और लोअर की वैल्यू पुट करते और तुम डेल्टा डेल्टाई निकाल देते निकाल सकते हो ना डेल्टा ही निकल गया yes, निकल जाएगा बड़ी आसानी से निकल जाएगा बस वैल्यूज तो पुट करना है मुझको तो वैल्यूज पुट करेंगे और निकाल डालेंगे यार ठीक है यस 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 ओके डन है यार ये तो तरीका है ऐसे तो कर लेंगे हम डेल्टाई की वैल्यू तो समझ में आ गई निकाल सकते हैं बट हमें यह भी तो पता है ना कि डेल्टा बराबर हम एच सी बाई ले पुट कर सकते हैं एच सी बाई हैं तो एच सी बाई लेक्वायर माइनस नहीं होगा माइनस नहीं होगा सॉरी गलती से माइनस लिखा गया उमर एक सौ पचपन की हरकत है बचपन की समझो यार तो थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर और वन बाई एन एल स्क्वायर है ना बहुत हरकतें हो रही है दिख रहा है मुझे किसी ने नजर लगाई है ये 155 की वजह से नहीं होता है ये 155 की वजह से नहीं होता है ये होता है नजर लगाने से <laughs> सब सोच रहे होंगे भाई मॉडल पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे आ तो अंधविश्वास चल रहा है हाँ तो क्या करूं मैं मर जाऊं एन एच स्क्वायर में अरे यार ये यार ये सच में यार ये यार ये ना यार ये प्लीज यार प्लीज प्लीज बंद करो यार please. यार प्लीज नजर नजर लगाना पर बंद करो यार प्लीज क्यों ऐसा कर रहे हो यार NL2 पहले आएगा उसके बाद एन एच फाइनली तो अब देखना यहाँ पर मुझे बताओ फटाफट एच सी की वैल्यू कितने लोगों को याद हो चुकी है अभी तक एच इंटू सी टू इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी फाइव दांत दिख रहे हैं मुझको अब दांत देखो मुझे हंसाओ हाससी <laughs> तो की वैल्यू पॉइंट ये है मेरे दोस्तों यहां पर कि आपसे पूछा जाएगा अगर वेवलेंथ तो आप वेवलेंथ बताते हो ना जो वेवलेंथ की वैल्यू बताते हो कैसे बताओगे ये जो hc है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे और वैल्यू को उठा करके या फिर ऐसे करो इस एच को उठा करके एच को उठाकर यहां लेते जाओ वन बाई और एच सी यहां लेते जाओ दिख रहा ये, ये है ना थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई एच सी यही बन जाता है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट यही बन जाता है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट वन बाई लेमडा को कई बार हम ये भी लिखते हैं न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं और कहते हैं वेव नंबर याद रखना वेव नंबर फ्रीक्वेंसी के जैसा नोटेशन है लेकिन फ्रीक्वेंसी से काफी अलग है यह फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अलग ही चीज है वेव नंबर इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा और जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर आपको पता होगा यूनिट होती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बट जब आप वेवलेंथ निकालेंगे ना तो इस 13.6 को ना इनटू जूल कन्वर्ट करना पड़ता है कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं एकदम एक हजार परसेंट श्योर हूं कि आप भूल चुके हैं कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं दिस इज द मेथड सिक्स इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन जूल दिख रहा है यह तरीका कन्वर्ट करने का ठीक है और अब जो है यह यहां पर रेडबर्स कांस्टेंट आ जाता है रेडबर्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है वन पॉइंट वन इंटू टेन पर सेवन पर मीटर दिखा इससे क्या हो जाता है जो फॉर्मूला हमारा बन करके तैयार होता है जो फॉर्मूला बन करके तैयार होता है वन बाई लेमडा वाला और आर वाला वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं अब इसे हटा रहा हूं क्योंकि इतने की जरूरत नहीं पड़ती बस मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा था इतने डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि बड़ा आसान है यार एक बात बताऊ मुझको आसान नहीं हुआ क्या जरा ध्यान से सुनना दोस्तों मैं रिवाइज करा दू अगर दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालना है बड़ा आसान है मुझे फॉर्मुला एनर्जी का पता है Z2 N2, से लोअर देखो ये एनर्जी स्टेट है और ये लोअर ओ नजर लगाइए नजर लगाई <laughs> उड़ गया वो ये ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट है तो हायर से लोअर आया हाँ लगा रहे हो मुझे सब पता चल रहा है प्रतीक देख रहा मुझे कर रहे हो तुम लोग तो हो सकता है कि बाबा हर्ष ने लगा दिया नजर हो सकता है तो यार हायर से लोवर भाई तुम लोग को पढ़ाने में टाइम ऐसे बीतता है कुछ पता ही नहीं चलता है मेरे दोस्तों कितने प्यार है तुम लोग तुम लोग मजा आता है मुझको भी बहुत मजा आता है मुझे अरे टीआर भाई मेरे ने चॉकलेट लेने से नहीं ले पंजाबी बोलने की कोशिश थी चॉकलेट नहीं लेना है क्या भाई गूगल पे मैसेज कर दे देख कितना याद रखता है तेरा दोस्त फिर से याद आ गया इसको चॉकलेट नहीं मिली है मैं चुन चुन करके याद रखे रहता हूं है है ना तो बस झूठ मूठ का मत ले लेना दिल से लेना सच में लेना तो अगर हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी ऊपर से नीचे जाने में कम होगी पता है एनर्जी कम होगी है ना तो एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा एनर्जी थी कम एनर्जी ज्यादा पैसे थे, पैसे पैसे थे, कम हो गए, तो पैसे कहीं तो गए ना कहाँ गए उड़ गए उड़ती नहीं है आपको पता है, कि, मतलब, लाइट के, मतलब, पता है एनर्जी रेडिएटेड है अगर बालमर सीरीज में आई अगर हाइड्रोजन आइटम है अगर बालमर सीरीज है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो विजिबल फॉर्म में होती है नहीं भी हो सकती है क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली ले, अलग अलग एनर्जी आ सकती है बट चलो पता है कि जो भी रेडिएटेड एनर्जी वो एच न्यू के फॉर्म में होगी और जो डिफरेंस निकालना आसान है और, और लोअर का डिफरेंस निकाल दो अगर नीचे से ऊपर जाता ना तो एनर्जी गेन होती तब भी पर हम एनर्जी का डिफरेंस ऐसे ही निकालते बस साइन चेंज हो जाता साइन चेंज होता इसलिए साइन प्लस की जगह माइनस आता या माइनस की जगह प्लस या माइनस साइन जब भी आएगा ना पुराने जमाने में क्या होता था कि जब

फाइनल माइनस इनिशियल होता है लेकिन हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया ही नहीं देखिए तो जरा आपके मन में क्या ये डाउट नहीं आया था और डेल्टा निकाल रहे हैं लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहे हैं। हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे डेल्टा का तो मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल सही हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल बट चूंकि हमें आगे क्योंकि हमें आगे डेल्टा ई निकाल करके वेवलेंथ निकालना होता है डेल्टा ही निकाल के वेवलेंथ निकालना होता तो वेवलेंथ को अगर निगेटिव कर दिया तब तो, तो सब सुहा तो वेवलेंथ निगेटिव हो नहीं सकता वेवलेंथ निगेटिव कर नहीं सकते इसीलिए हम कभी भी डेल्टा डेल्टाई का जो डेल्टा डेल्टाई का जो मैग्नीच्यूट है वो निगेटिव करते ही नहीं है हम बस डेल्टा डेल्टाई के मैग्नीच्यूट के साथ खेलते हैं उसी से वेवलेंथ निकालते हैं उसी से वेवलेंथ निकालते हैं डेल्टा ई को हम निगेटिव लिखते नहीं क्यों क्योंकि हम ऑलरेडी समझदार है हमें ऑलरेडी पता है कि साइन को निगेटिव करके फायदा ही नहीं हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लोअर से हायर जाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा हाइयर से लोअर आने पर एनर्जी रिलीज करनी होगी तो दोस्त जब मुझे पता ही है कि कब एनर्जी रिलीज होती है कब एनर्जी एब्जॉर्ब कर कब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो मैं वहां पर निगेटिव और पॉजिटिव दिखाऊं क्यों हाँ, यहां इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट फार्मूला होता ये है ये एब्सोल्यूट है डेल्टा ई एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं होता है डेल्टा ई का माइनस माइनस साइन आना या पॉजिटिव साइन आना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ओ सॉरी माइक तो मार दिया तो डेल्टा ई e, आवाज तो सही आ रही है ना डेल्टा ई जो है वो माइनस आएगा या प्लस आएगा वो डिपेंड करता है हमारी सोच पर ये सोच पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट एनर्जी है लेकिन डेल्टा इज नॉट एब्सोल्यूट वो तो डिपेंड करता है कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है दिस इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट के साथ नेगेटिव दिखाएंगे लेकिन जो डिफरेंस है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है नेगेटिव दिखाया मतलब एनर्जी रिलीज हो रही थी पॉजिटिव दिखाया मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी अब जब मुझको डायग्राम से ही दिख रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी तो मैं साइन में क्यों दिखाऊं साइन में इसलिए भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि आगे डेल्टा ई से हम लेमडा निकालेंगे और मैंने बताया था यहां पे एच सी बाई लेमडा फुट करो ठीक है और इस एच सी को इसके नीचे लेते जाओ तब आप क्या करोगे आप ये पाओगे देखो आप यह पाओगे आप क्या पाने वाले हो यह फॉर्मूला पाने वाले हो वन बाई लेन पॉइंट सिक्स के नीचे यहां से एच सी जाएगा वो बन जाएगा आर आरजेड स्क्वायर यह क्या बन गया वन बाई एनएल स्क्वायर लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट का स्क्वायर और इसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा क्योंकि वेवलेंथ निगेटिव हो नहीं सकता पॉजिटिव होगा वेवलेंथ पॉजिटिव होगा इसीलिए हम कभी भी निगेटिव पुट नहीं करते ना तो उसकी जरूरत है और ना ही हमें कहीं पर भी कॉन्सेप्चुअली कुछ दिक्कत होने वाली है यूज होता है कई बार जब आपसे पूछा जाता है कि अलग अलग ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर किया है ट्रांजेक्शन लिया है फटाफट बता दो वेवलेंथ क्या है तो वेवलेंथ को हम इस फॉर्मेट से निकालते हैं हमें

है ना यस चलो ओ माय गॉड दिस वाज एपिक पिक लिख लिया जाए नहीं लिखिएगा ये लिख लीजिए ना प्लीज मेरी खातिर लिख लीजिए आज का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल no. okay. तो ड्यूअल बिहेवियर की शुरुआत की जाए है ना बाबा जी के आशीर्वाद से हम शुरू करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर अब ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर वाला सेक्शन जो बड़ा मजेदार है <laughs> क्योंकि क्वेश्चन वगैरह से बहुत आसान से बन जाते हैं सेक्शन में जो है मजेदार बातें और इसके बाद जो हमारा जो लेक्चर होगा अगला वाला वो बड़ा खतरनाक है मेरे दोस्तों उस लेक्चर को मिस करोगे क्वांटम मॉडल का जो टफ सेक्शन है समझ में नहीं आएगा दोस्त के साथ पढ़ लोगे अगले वाले में दुनिया वालों को बता देना कि भाई मेरे दोस्त ने पढ़ाना है अगला लेक्चर है श्रोडिंगर्स मॉडल का आपका दोस्त है श्रोडिंगर्स मॉडल का जो है वो बड़ा माहिर है आपको ऐसे प्यार से समझाएंगे कि वो बहुत टफ सेक्शन है वो श्रोडिंगर्स मॉडल वाला सेक्शन सबके कमजोर होते हैं लोगों को बता देना मैं पढ़ाने वाला हूँ शेयर कर देना खुद का भला करो दोस्तों का भी भला करो जितने जानने वाले सबका भला करो बार बार वो पढ़ाऊंगा नहीं शायद इस साल फिर जो जब भी पढ़ाऊंगा तो फिर दूसरे बैच के लिए इतना आपको ऑब्वियसली आप इलेवेंथ वाले हो आपको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं तो कोशिश करना उस लेक्चर को जरूर शेयर करना दैट इज गोइंग टू बी समिंग एपिक बहुत एपिक लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यों क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो बहुत टफ सेक्शन है बट होपुल आपका दोस्त कामयाब होगा आपको बहुत प्यार से अच्छे से समझाने में चलिए डुअल बिहेवियर पर आते हैं जैसा कि अभी हमने बाबा के आशीर्वाद से हमने देखा था बिहेवियर देखिए एक और ऐतिहासिक मीम है इलेक्ट्रॉन की हालत ऐसी होती है अजय देवगन जैसी जरा देखिए लीजिए भाग गया गुस्सा हो गया इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन गुस्सा हो चुका है ये देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा फटाफट चैट बॉक्स डुअल बिहेवियर समझ में आया हाँ छुई मुई छुई मुई जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों की सवारी करता है पार्टिकल नेचर की भी और वेव नेचर की भी पार्टिकल नेचर की भी और वेव नेचर की भी दोनों की सवारी करता है देखा अच्छा बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से डोमिनेंट नेचर के साथ दिखाई देता है जल्दी बताओ बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर के साथ दिखाई देता है वहां वेव नेचर का डिस्कशन नहीं है जब हम श्रोडिंगस मॉडल में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ते हैं तब देखते हैं कि ओहो भाई अलग ही कहानी है हमारे पास मॉडल में तो डोमिनेंट नेचर जो है वो वेव है अब जरा सुनो अभी तक कितने मॉडल डिस्कस हो गए अभी तक हम बोर्स मॉडल तक डिस्कस कर चुके हैं स्पेक्ट्रम वाला पार्ट बड़ा था बट हमने उसको भी कर लिया बोर्स मॉडल तक हम पहुंच चुके हैं तो बोर्स के बाद तो आना कौन है श्रोडिंगर से आना है ना बट हम श्रोडिंगर आने से पहले वेव पार्टिकल डुएलिटी क्यों पढ़ते हैं क्योंकि श्रोडिंगर का मॉडल डेवलप हुआ जब डिब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी जब डिब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस दे दी डिब्रोगली ने बताया कि भाई दो इक्वेशन एक आइंस्टीन का इक्वेशन और एक प्लान का इक्वेशन अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया अगर इन दोनों को एक साथ यूज किया जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सब एटमिक पार्टिकल्स है उनके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है ये डिब्रॉगली ने बताया उसके बाद हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि तुम कभी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजिशन या एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाओगे इन दोनों थ्योरी को यूज किए बिना श्रोडिंगर मॉडल यानी क्वांटम मॉडल बन ही नहीं सकते इन दोनों को करके ही बना है साथ में श्रोडिंगर मॉडल ने क्या किया है मैथमेटिक्स यूज किए किसकी तो मैथमेटिक्स यूज किए वेव मोशन वाले फिजिक्स की यह है कहानी तो कैसा लगा मेरा मीन ओके okay, आइए बढ़ते हैं ये वो आ, मीम है जो कि मैंने आपको दिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी के भाई, बोल रहे हैं? अच्छा, भाई, आपको जो है, पे मैंने ही कि यार, मीम भी दिखाया था बट नहीं आपने तो सब भुला देना बदमाशो फ्रीज वाई यू कैरी टू आइडेंटिटी कार्ड इलेक्ट्रॉन से पूछा दो आइडेंटिटी कार्ड कैसे बोल रहा बोल रहा भैया मेरे पास तो दो आइडेंटिटी कार्ड है तुम एक मांग रहे मेरे पास तो दो होता ही है मेरी कोई मैं तो इनोसेंट हूं मेरे पास तो दोनों होता है वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी अब डिब्रोगली के हाइपोथेसिस का थोड़ा इतिहास है फ्रेंच फिजिसिस्ट है डिब्रॉगलिक ने 1924 में प्रपोज किया दैट मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन इनफैक्ट एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स इट शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज क्यों कैसे तो वो इक्वेशन से उन्होंने प्रूफ कर दिया अगर किसी बात को तुम मैथमेटिक्स से प्रूफ कर सकते हो तो तुम्हें पता है कि दुनिया वालों को मानना पड़ता है कि यार जब ये मैथमेटिक्स में प्रूफ हो रहा है कि होता होता है तो होता है तो यार दो में दो में जोड़ने से है ना मैथमेटिकल प्रूफ है दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेब लेंथ इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो के पास भी मोमेंटम और वेब लेंथ होता है हाँ एक और बहुत ही प्यारा मीम है आप अगर इनको पहचान सकते हैं तो क्या आप पहचान रहे हैं कौन है आंसर इन द चैट बॉक्स आई हैव अ पार्टिकल आई हैव अ वेव नहीं पहचान रहे जरा देखा जाए होमवर्क है आपका जरा इस साइंटिस्ट को जरा पहचान करके दिखा देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कौन साइंटिस्ट था ये आपका होमवर्क है ये क्या होमवर्क है मीम में जो साइंटिस्ट उसको पहचानना है जी आसान नहीं है आज के टाइम पे अरे आप मीम के थ्रे बहुत सारे आपको बताऊं एक बात रितिका से मिले हो आप अक्सर रितिका जो है आप अगर आप लोगों ने देखा है तो बात करते हुए अक्सर मुझे दिख जाते रितिका अरे अपनी स्टूडेंट मेरी बहन जो आई बॉम्बे में कभी पूछिएगा उससे उसे जो कॉलेज वाले जो आईटी बॉम्बे वाले भी जब भी मेल वेल करते हैं अक्सर जो मीम के टर्म्स में बातें करते हैं मजे लेने के लिए स्टूडेंट्स के साथ कि देखते हैं साइंस को कितना तुम तो मीम के साथ जोड़ सकते हो हम भी यही कर लेते हैं मजे ले लेते हैं थोड़े ओके तो डिब्रॉगली ने क्या किया था डिब्रॉगली ने दो इक्वेशन को मर्ज किया था मेरे दोस्त फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कौन से दो इक्वेशन को मर्ज किया था कौन से दो इक्वेशन को मर्ज किया था जल्दी बताओ कौन से दो इक्वेशन को मर्ज किया था हम्म कौन से दो इक्वेशन को मर्ज किया था एक आइंस्टीन इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन एक आइंस्टीन का इक्वेशन है आइंस्टीन का इक्वेशन e दूसरा न्यू 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 दोनों को को इक्वेट कर दिया square, e square H new. H new को लिख दिया लिख बन गई बात देखो ये स्क्वायर और सी काट दिया सही नहीं है कट गया ना तो क्या बच गया देखो एमसीक्ल टू एच बाई ये स्पीड ऑफ लाइट है आप इसको भी वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए लिख सकते हैं सी को वी तो लैम्डा इज इक्वल टू बन गया एच बाई एम वी लिख सकते हैं एम यू लिख सकते हैं बट आपको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है तो एच बाई पी कर दिया इसे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई बन गया बट डी ब्रोगली ने क्या बोल करके दोनों इक्वेशंस को मर्ज किया डी डिब्रॉगली ने बोला कि एक जो है वो पार्टिकल के लिए दिखाया जाता है मेनली पार्टिकल के लिए दिखाया जाता है एक जो है मेनली वेव के लिए दिखाया जाता है तो अगर दोनों इक्वेशन की बातचीत हो रही है तो अगर दोनों को मर्ज कर दे हमारा यही तो पर्पस है कि अगर किसी स्पेशस के पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है तो दोनों इक्वेशन उसे फॉलो करना चाहिए तो दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देते हैं अगर मर्ज कर दिए तो ये रिलेशन आ गया अब जब ये रिलेशन आ गया तो ये बन गया डिब्रॉगली इक्वेशन हम बोलेंगे इनको शॉर्ट में डिबोगो मैं डिबोगो क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमने कॉलेज में जो है अक्सर एक बार काम किया था अपने सारे दोस्तों ने ना आपस में जो है अपने सारे दोस्तों ने आपस में साइंटिस्ट के नाम रखे थे तो एक बड़ा ही मजेदार दोस्त था अपना जिसका नाम जो हमने डिबोगो रखा था मेरा रूममेट ही था वो फर्स्ट ईयर में तो बड़ी प्यारी प्यारी याद है डिबोगो डिबोगो बड़ा हम बोलते रहते थे डिबोगो अपने साइंटिस्ट के नाम रख लिए थे एक दूसरे को साइंटिस्ट के नाम से बुलाते थे तो मजे मजे में कुछ ना कुछ करते रहना होता था कॉलेज में पता ही तुम्हें कोई भी आप लोग भी कैसे करते हो गया? अपने दोस्तों के कुछ ना कुछ नाम दे देते हो गया? आप तो और गंदे गंदे नाम देते हो पता नहीं क्या क्या नाम से दोस्तों को बुलाते हो हम तो फिर भी अच्छे नाम से बुलाते थे कॉलेज में तो ये का इक्वेशन बन गया है ना <laughs> मेरा बहुत इज्जत वाला था मेरा मेरा मैंने खुद नहीं सोचा था आइंस्टीन नाम बढ़ेगा भाई मतलब मैंने कुछ किया किया भी नहीं था नाम पर <laughs> मतलब पता नहीं शायद बालों वालों कुछ, कुछ कर दिया ध्यान बढ़ जाता है बदमाशो ये डायग्राम का कुछ मीनिंग है मेरे दोस्त आप मुझे बताओ ये डायग्राम आखिर डिब्रॉडली हाइपोथेसिस के टाइम पर ही क्यों दिखा रहे हैं सोच करके जरा बताओ अब बताओ सोच करके बताओ ऐसा क्यों है यार डिब्रॉगली ही डिब्रॉगली के लिए ही ये डायग्राम क्यों दिखाएंगे भाई तुझे झूठ बोल करके मेरे को क्या मिलने वाला है बता तो झूठ बोल के तुझे, तुझे क्या मिलेगा लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता है मुझे ना तो कुछ चाहिए नहीं ही मुझे कुछ मिल रहा है यहां पर ना मुझे कुछ चाहिए देखो ये डायग्राम इसलिए इसीलिए डाला गया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहां एक ऑर्बिट भी दिखाया गया है दिख रहा है तो ऑर्बिट आपको पता है बोर्स मौडल। बोर्स मॉडल मॉडल मतलब पार्टिकल नेचर बट फिर साथ में ये भी दिखाया गया वेव नेचर भी तो यार जो वेव नेचर है वो भी दिखा रहे हैं साथ साथ पार्टिकल नेचर भी दिखा रहे हैं तब तो वेव पार्टिकल डुअलिटी आएगी ना मेरे दोस्त अब आपको मतलब दोनों बिहेवियर को मिक्स करके सोचना है वैसे श्रॉडिंगर्स मॉडल में डोमिनेंट नेचर कौन सा है वेव अब मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं नहीं क्या एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल सकते हैं नहीं ये किसने बताया हाइजन बर्ग ने डी ब्रॉगली ने तो दूसरी चीज बताया तो एच बाईप बताया डी ब्रॉगली ने तो, तो एच मोमेंटम है ठीक है ये डी ब्रॉगली ने बताया हाइजनबर्ग ने बताया कि आप एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम नहीं निकाल सकते अगर मैं आपको ये नहीं भी बताता कि हाइजनबर्ग ने ऐसा बोला है तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने हाइजनबर्ग वगैरह नहीं दिखाया था सीधे ही आपसे बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो यार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम निकाल पाना नामुमकिन एग्जैक्ट हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने जाओगे एक्यूरेसी के साथ तो मोमेंटम में बहुत एरर आएगा और अगर मोमेंटम निकालने गए एक्यूरेसी के साथ तो पोजीशन में बहुत बड़ा एरर आएगा दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं दोनों में जो एरर है पोजीशन और मोमेंटम में और यह बात हाइजेनबर्ग ने बताई बट मैं यहां पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि क्लाउड दिख रहा है जब क्लाउड दिख रहा है तो हमेशा तुम्हें सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है कहां यह बात एग्जैक्टली exactly कैसे बताएंगे नहीं बता सकते सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बातें होंगी ये हमेशा सोचते रहना मतलब अभी हाइजेन वाला जो मतलब ठीक है डी डीब्रॉगली का जो इक्वेशन है और जो हाइजेनबर्ग का जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन जो है ना वो थोड़े ऑब्वियस है आप खुद भी समझ सकते हैं अगर आप श्रोडिंगर्स मॉडल जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कलफिग्रेशन लिख चुके हैं आपको थोड़ा थोड़ा गेस आपको मिलना चाहिए हाँ यार वेव पार्टिकल पर तो पहले भी बात हो चुकी है कि हाँ इलेक्ट्रॉन के पास वेव और पार्टिकल दोनों की डुअलिटी होती है नो no डाउट कि भाई अभी जो आप डी ब्रॉगली का इक्वेशन अब आ गया तो उससे अब समझ में आने लगा यार कि अच्छा लेमडा इक्वल टू एच बाई पी ये इक्वेशन है इससे बातें बनती है ये इस डिब्रोगली का इक्वेशन अच्छा अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट सुनना जो डिब्रोगली हाइपोथेसिस में कॉन्सेप्चुअल पार्ट है डिब्रोगली के हाइपोथेसिस एक बात बड़ी मजेदार समझ में आई क्या थी वो बात ये बात नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ वेव्स क्या अभी थोड़ी देर पहले कहीं पर ऐसा कुछ था नंबर और वेव्स कहीं पर एक साथ आया था आया था बट वो कंफ्यूज कराने वाली चीजें देखिए न्यू बार लिखा था मैंने एक जगह पे जहां पर के रिडवर्स इक्वेशन लिखा था वन बाई स्क्टीप्लाइड बाई वन बाई एन लो स्क्वायर माइनस वन बाई एन एच स्क्वायर ठीक ये ठीक है सो so ये वो दिस इज वेव नंबर दिस इज नंबर ऑफ वेव्स और अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी तो आप समझ गए नंबर ऑफ वेव्स मतलब कितने वेव्स बन रहे हैं अगर हमने ऐसा डायग्राम बनाया मेरे दोस्तों देखो तो एक वेव है दो वेव है तीन वेव है जरा चेक करो क्या तीन वेव है यहां पर तीन वेव है यहां पर? पर बिल्कुल तीन वेव है वैसे ही जरा चेक करना थर्ड ऑर्बिट है ना थर्ड ऑर्बिट में मैं चेक कर रहा हूं यहां से चल रहा हूं लेट मी चेंज द पेन सो दैट के क्लैरिटी आ जाए विजिबिलिटी आ जाए काम करता है रेड कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से दिखेगा यहाँ रेड किया हमने ठीक है दिख रहा है रेड यहां से चले यहां पहुंचे क्या एक वेव नहीं है बिल्कुल है फिर यहां से एक डॉट से दूसरे डॉट के दो वेव है अब बताओ मुझे कितने दिख रहे हैं एक यहां पर दिखा एक यहां दिखा और एक यहां दिखा जल्दी बताओ मुझे कितने दिखे क्या तीन वेव नहीं दिखे अरे बिल्कुल तीन वेव्स दिखे फोर्थ वाले में जरा बताना मुझे कितने वेव दिखे दोस्तों येल्लो से मारते हैं यहां से स्टार्ट किया वन टू थ्री कितने वेव्स दिखे लेमडा 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 कितने चार मेरे दोस्तों क्या बात, क्या बात बात अब आप समझ गए कि थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव फोर्थ ऑर्बिट में फोर्थ चार वेव फिफ्थ ऑर्बिट में पांच वेव सिक्स ऑर्बिट में छह वेव ये हमें कहाँ से मिला ये कंक्लूजन इस हाइपोथेसिस से मिला और ये बहुत मजेदार बहुत स्टनिंग बहुत ही स्टनिंग था कि अच्छा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव बनाता है इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में चार वेव बनाता है पांचवे ऑर्बिट में पांच वेव बनाता है कमाल है यार मजेदार है यार ये बात प्रूफ कैसे हुई इस इक्वेशन से कैसे प्रूव हुई इस इक्वेशन से कैसे प्रूव हुई इस इक्वेशन से कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो यहां से कैसे निकल जाएगा 2 पाई r n लैम्डा देखिए n जो है ना ये ऑर्बिट नंबर है ना और ये नंबर ऑफ वेव्स भी है अगर मैं बोलूंगा थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव्स हैं हैं तीन है। तो मैं बोल नहीं सकता कि अरे बिल्कुल सही है तो पता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बट क्वांटम नंबर एन को अगर मैं ऐसे लिखूं टू पाई आर तो दो क्वेश्चन आते हैं पहला तो तुमने ये लिखा कैसे कोई सोर्स क्या मैथमेटिकल सोर्स है जो ये लिखा गया दूसरी बात

कि हमेशा टू पाई आर बाई है वो एन ही होगा हमेशा होगा अगर एन लिख दिया मतलब हमेशा होगा ओ भाई साहब अगर हमेशा होगा तो प्रूव कीजिए हमेशा कैसे होगा अब आइए पहले कॉन्सेप्टचली कं आइए कंसेप्टचुअली कैसे समझेंगे तो अगर मैंने यहां पर एक ऑर्बिट बनाया ऐसे बड़ा ऑर्बिट तो बड़े ऑर्बिट में तो वेव दिख मोशन दिखाना ना बड़ा आसान होता है मेरे दोस्त लेकिन हमें पता है कि ऑर्बिट का साइज क्या होगा टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर के आसपास होगा डॉट लगा देखो मैंने लगाया सॉरी के बराबर का डॉट नहीं सॉरी ये तो बहुत बड़ा हो गया सो so, मुझे बनाने दो वन एंगस्ट्रॉम के बराबर का डॉट मैं बना रहा हूँ देखना ध्यान से वन एंगस्ट्रॉम के बराबर का डॉट दिखा वन एंगस्ट्रॉम के बराबर का डॉट दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली छोटा है दिख तो रहा है ना बट नहीं दिख रहा है, कैसे वाला है तो बहुत छोटू होगा नहीं दिखेगा यही मैं बताना चाह रहा हूं ठीक तो 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 है, तो है अब छोटू से ऑर्बिट में आप ना वेव मोशन दिखाइए जब आप छोटू से ऑर्बिट में वेव मोशन दिखाइएगा तो जितना वेव मोशन दिखाइएगा ऐसा लगेगा जैसे कि ऑर्बिट और वेव मोशन दोनों मर्ज कर रहे हैं देखिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं आपको समझाने के लिए मान लीजिए की की। की की, तो जैसे कि वेव मोशन और ऑर्बिट और दोनों मर्ज कर रहे मर्ज कर रहे मीनिंग क्या इसका समझिएगा देखिए मीनिंग ये है ना मेरे दोस्त ऑर्बिट इतना बड़ा बनाया है तो डिफरेंस दिख रहा है वेव मोशन और इस ऑर्बिट वाले पार्ट में बट हमें तो पता है कि छोटा करते जाइए क्वांटम मॉडल लगाइए वेव मोशन ही जो है वो ऑर्बिट होता है वेव मोशन ही जो ऑर्बिट होता है ठीक है तो जो पूरा सरकम दोस्त टू पाई है ना टू पाई आर इज लेंथ सरकम फेरेंस जो सरकम वो बना किससे है छोटा करते जाइए छोटा करते जाइए जो वेव मोशन है वही तो ऑर्बिट है तो वेव मोशन में कितने वेव है तीन वेव है यानी तीन वेव ने मिल करके क्या बनाया है थर्ड ऑर्बिट का सरकम बनाया तो टू पाई टू थ्री, तो थ्री देखा आ गया ये तो कॉन्सेप्ट चलिए आ रहा है प्रूव हो गया कॉन्सेप्ट चलिए चौथे में चलिए चौथे में वही बात ये तो इतना बड़ा बना इतना बड़ा थोड़ी ना होता है एंगस्ट्रॉम के लेवल पे बनाइए छोटा करते जाइए जो वेव मोशन है वही तो ऑर्बिट है कितने वेव से मोशन बना था कितने कितना? का वे, का बस देखना है कितने वेव्स बन रहे थे पांच तो फाइव लेमडा इज इक्वल टू लिख दीजिए कितना टू पाई आर फाइव सिक्स इक्वल टू टू पाई सिक्स ये होने वाला है ये कॉन्सेप्टी दिख रहा है कि अच्छा, जितने वेव्स बनेंगे वही वेव जो है वो ऑर्बिट बनाएंगे वही वेब मोशन बनाएगा ठीक है बट अभी भी क्या हुआ कि हमने concept का का ज़्यादा किया, but अभी formulate किया अभी तक नहीं है। अब ये एक प्रूफ क्या है आप उठाएंगे आप उठाएंगे बोर्स मॉडल बोर्स मॉडल में पार्टिकल नेचर था ना बट हमें तो पता है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों मिलाकर के बातें होनी है यहां पर तो बोर्स मॉडल से उठाइए टू एन एच बाई है पार्टिकल नेचर लिख दिया जाए बोर्स रेफरेंस है बोर्स मॉडल रेफरेंस है बोर्स मॉडल ठीक है भाई नेक्स्ट लेमडा इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ अभी क्या सीखा एच बाई एम होता है बस अब हम उसका यूज कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लीजिए और देखिए वो आ जाएगा प्रूव हो जाएगा कैसे आएगा कैसे प्रूव होगा देखिए ना यहां पर mv है दिखा आपको mv mv की जगह पे h λ पुट कर दीजिए यहां मैं पुट कर दूं h λ आ ये देखिए वहां पर पुट किया मैंने h λ h λ मल्टीप्लाईड बाय यहां पर क्या आ गया r है ना बराबर क्या है n h 2π है देखा H और H को कैंसिल आउट कर दिए कटोला कटोला बन गया देखिए टू पाई आ रहा है पाई को मल्टीप्लाई कीजिए आर हैल्टीप्लाई की देखा इतना आसान था ऐसे ऐसे निकालना था नहीं समझ में आया फटाफट -फड़ रिवाइंड कर रहा हूं सुन लीजिए आपको यह इक्वेशन याद है कहां से मिला था बोर्स मॉडल से बोर्स मॉडल में एम बी आर स्कूल टू एन बाई टू पाई ये इक्वेशन था क्वांटाइजेशन पॉस्टूलेट

और मिटा करके येलो से लिख देते हैं देखिए आगे एम वी मल्टीप्लाइड बाई आर ठीक है सो ये r जो है वो यहां पर है अब एम वी की जगह पर हमने यहां से इस एम वी को लिख दिया h बाई पाई एच बाई पाई लिखा क्या लिखा h बाई लेमडा सॉरी h बाई लेमडा लिखाएगा ठीक है h बाई लेमडा लिखाया ये h जो है दूसरे साइड जो h था उससे कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या टू पाई आर स्क्वायर ठीक है ये तरीका ऐसे देखते तो ये प्रूफ हो गया टू पाई कॉन्सेप्चुअली तो हम देख ही रहे थे कि जो नंबर ऑफ वेव्स होता है बस वो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो बराबर हो नंबर नंबर ऑफ ऑफ वेव्स वेव्स आप निकालो मल्टीप्लाइड बाय वेव का लेंथ अगर तीन वेव्स हैं तो तीन वेव लेंथ करके सरकमफेरेंस बनाएंगी चार वेव्स हैं चार वेव मिलकर वेव लेंथ पूरा सरकमफेरेंस बनाएंगी पांच वेव्स हैं पांच वेव्स मिल करके क्या बनाएंगी सरकमफेरेंस बनाएंगी डन डायग्राम ही इतना बेहतरीन है किसी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ये कैसे आएगा इक्वेशन बताओ फटाफट फड़ ये कहां से है भाई ये इक्वेशन जो है वो डिब्रॉगली का है सही है भाई डिब्रॉगली है काइनेटिक एनर्जी ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पहले अप्लाई भी किया बोर्स मॉडल में अब इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए कर दिया स्क्वायर स्क्वायर करने से फायदा क्या हुआ एम वी स्क्वायर टर्म आ गया है ना एम बी स्क्वायर टर्म जब आया है तो हम काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं MV, square square था यहां से एम बी स्क्वायर को लेते रह गया देखिए एम बचा रह गया और लेमडा स्क्वायर को नीचे लेते आए इसे थर्ड इक्वेशन बोल दिया अब काइनेटिक एनर्जी का जो सेकंड इक्वेशन था उसमें एमवी स्क्वायर की ये वैल्यू उठा करके पुट कर दी तो काइनेटिक एनर्जी ये बन गया काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में आ गया रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में आ गया रिलेशन और हमने रीअरेंज किया तो ये फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला हमेशा ही यूज होते रहेगा इक्वल टू है ना मेरे दोस्त अगर आप में से कुछ लोगों को ये पता है कि पी इक्वल टू एम वी होता है ठीक है और भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है आप ऐसे भी चल सकते हो दोस्तों हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम और एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे पुट कर दो ये जो मोमेंटम होता है पी आप ऐसे भी चल सकते हो देखो पी स्क्वायर बाई एम कर दो इनफैक्ट कुछ बच्चे तो रटे हुए फटाफट लिख डालते हैं पी स्क्ल टू रूट अंडर टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या आपने किया है पहले अगर किया हुआ है तो माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है बहुत हाँग, बहुत ही कर दो इसे हो गया यहीं से

एक बात आपको बता दे सॉरी अगर आप यूनिट का ध्यान रखिएगा तो थोड़ा सा केयर करना है यूनिट के मास का जो यूनिट है वो ग्राम क्यों रखिएगा किलोग्राम ही रख लीजिए है ना चेंज क्यों कीजिएगा क्योंकि आंसर क्योंकि यहां पर देखिएगा लेमडा की जो वैल्यू है वो मीटर में आनी है ठीक है और मैं यहां से बताऊं मतलब ग्राम वाला वाली बात जो है वो गलत थी वो मत कीजिएगा क्योंकि एच का जो यूनिट होता है वो क्या होता 10 34 ये है ठीक है 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 जूल जूल ठीक में बातचीत हो रही है। कितने लोगों को पता है कि जूल की जब बातचीत करते हैं तो मास का यूनिट किलोग्राम <laughs> तो जो है वो कहां से आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वो होता है के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन अच्छा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते मीटर का स्क्वायर जो है वो गोड़बोड़ हो गई ला है ना ओके सो अब ये फोर्स का यूनिट मास इनटू टू एक्सेलेशन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब हम यहां पर आर का यूनिट मीटर पुट करते हैं तो ये आ गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर सो so, ये जो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एक्चुअली जूल होता है ठीक है ये अगर नहीं ध्यान में रखते हो तो आपसे रख जाना गड़बड़ मत करना जूल में के जी आता है तो ठीक है अब जबकि जूल रहेगा तो यूनिट के जी मास का के जी होना चाहिए और जो डिस्टेंस है उसका मीटर होना चाहिए टाइम का सेकेंड होना चाहिए जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के रूप में उसका यूनिट मीटर आ जाएगा करेक्ट है जो मास है उसको के जी के रूप में पुट कर दो और भी आसान हो गया फटाफट तो एच की वैल्यू पुट करेंगे

ठीक है या कई बार तो आपको बताऊं अगर आप आर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन फॉलो करते हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी सिक्स पॉइंट सिक्स इनफैक्ट सिक्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है आगे वगैरह या 6 .6 भी कुछ जगह लिखा रहता है तो उसकी टेंशन नहीं लेना क्योंकि इस पर कभी भी थोड़ी ना फंसाएंगे ये तो बेवकूफी है इस पर थोड़ी ना फंसाएंगे यार वो तो फंसाएंगे कि आपका जो ऑर्डर आ रहा है वो किस ऑर्डर में आप आंसर ला रहे हो इन सब बातों पर नहीं फंसा होते

चार पांच छ क्या बात है एक बार में छह बना दे चाहे डिजाइन चाहे कितना भी गंदा आया हो बट छह वेव्स बना दिए पूछा गया था वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सिक्स्थ ऑर्बिट वेवलेंथ पूछा गया है। टू पाई आर बराबर होता है कितना n लेमडा होता है सिक्स लेमडा कर देंगे इसको है ना वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द इड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम में सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन होता है और शायद वही दिया गया आर नॉट इज द बोर्स रेडियस ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन को क्या लिखा गया है आर नॉट लिखा गया है और सिक्स ऑर्बिट का रेडियस पुटअप करेंगे हम यहां पर टू पाई इंटू आर सिक्स इक्वेशन वन कर देते हैं आर सिक्स कैसे लिखा है मेरे दोस्तों जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर एन स्क्वायर कितना होता है ऐसे स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड जेड कितना है one है ना हाइड्रोजन के लिए one. तो आंसर आ जाएगा ये ये हो गया R0, 36 R0. Correct है ये second equation. मैं यहां पर, की पर कितना put करूंगा, आप बताओ टू पाई इन टू थर्टी सिक्स आप आंसर लिख रहे हो चैट बॉक्स में लिख डालो मेरे कैलकुलेट करने से पहले सिक्स ओ सॉरी थर्टी सिक्स आर नॉट ठीक है तो यहां पर जो वैल्यू है यहां पर जो वैल्यू है सिक्स इनसे कैंसिल आउट कर दो वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेल्व पाई आर नॉट आपकी वैल्यू मुझसे पहले आ चुकी है ना कि मेरा देख करके नहीं लिखना लिख दिया? लिख दिया दिया ओके बी लिख दिया अरे आए क्योंकि ठीक हाँ, है था तो फॉर्मूला भेज ये भी प्यार से सॉल्व करके आपको दिखाया यहां पर पीडीएफ में मौज कर लो

लव 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 यू 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 सो सो मच मच बढ़ते आगे इतना सॉल्यूशन उनके लिए समझा करके बनाया हुआ है जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा लेक्चर में कि कैसे नंबर ऑफ वेव्स थर्ड ऑर्बिट में तीन ही होता है उनके लिए समझाया हुआ आपके लिए नहीं आप समझ चुके हो है ना बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं फिर वो लेक्चर नहीं देखते वो सीधे पीडीएफ देखते हैं ओके सिग्निफिकेंस ऑफ डिब्रॉगली कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है साफ पता चल रहा है अब आने वाला है कौन आने वाला हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व एंड नॉट बी मेजर्ड कहा जा रहा है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे लार्ज ऑब्जेक्ट होंगे उनका जो वेव कैरेक्टर है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस no सिंस देर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व एक बात बताना लेमडा जो डी ब्रॉगली का लिखाया था उसमें एच बाई एम भी था ना अगर आप मास को हेवी कर दोगे मेरे दोस्त तो लेमडा तो कम हो जाएगा ना अरे बिल्कुल श्योर कम हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा तो मास ज्यादा लेमडा की वैल्यू कम मास ज्यादा लेमडा की वैल्यू कम तभी कहा जा रहा है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे ना बड़े ऑब्जेक्ट जो होंगे उनका जो वेव कैरेक्टर है वो एक तरह से प्रैक्टिकली जो है ना इनसिग्निफिकेंस ज्यादा है है थोड़ी ना है, हम heavy है. objects हम हैं बड़े में होंगे तो हम थोड़ी ना ऐसे ऐसे करके चलेंगे हम तो हमारे अंदर तो ज्यादा पार्टिकल वाला नेचर है यार जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है जितना मासिक ऑब्जेक्ट है पार्टिकल डोमिनेट करेगा जितना छोटा है वेव उतना ज़्यादा करेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंस देयर वेव लेंथ इज इजिली ऑब्जर्व इन significance स्पेक्ट्रम उनका <laughs> मतलब मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूं कि भाई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलते हैं यार अब आप सोचोगे सर सांप सांप भी तो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, वो तो ऐसे ऐसे चलते हैं ओ भाई <laughs> भाई आ, अब तो बाबा हर से पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है मेरे को नहीं पता है ओह ये अच्छा लग रहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टू डी मैं आपको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ ये लगता है ये वाला मीम पल्ले नहीं पड़ेगा आपको इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने ये देखा नहीं होगा ये समझा नहीं होगा पहले मैं समझा भी नहीं था। मीम समझाया थोड़ी जाता है यार अब मीम थोड़ी ना समझाते हैं आप खुद से सर्च करना ओके ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये खुद से बनाना आप आंसर मैंने दिया हुआ डी ब्रोगली पर ही है बन जाएगा सिंपल कैलकुलेशन है कुछ खास नहीं है बट आप ट्राई करोगे अब ये बताओ ये बिना कैलकुलेशन के बन जाएगा इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फटाफट इक्वेशन लगा दोगे एच बाई रूट अंडर टू एम के अब फटाफट फड़ बताओ तो इसे ये अगर याद है मैंने तो लिखी दिया अब क्या याद है तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ दबल्ड अब वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा यार देखो वन बाई रूट टू हो जाएगा क्योंकि पे। के नाम में ही लगा है और इससे खूबसूरत तो जी आई एफ हो ही नहीं सकता मैं तीन ऐसे पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूं मेरे दोस्त जिससे हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लेवल कॉन्सेप्ट अलग ही बन जाएगा ग ने क्या बोला था उनका इनका मतलब सारे जितने आप लॉज पढ़ोगे दुनिया में जो प्रिंसिपल्स पढ़ोगे उसमें ना कुछ डेफिनेट बात बताई जाती है Heisenberg ने बोला कुछ डेफिनेट ही नहीं <laughs> ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता लगाओगे मोमेंटम जो है वो ना इतना एरर आ जाएगा मोमेंटम में कि तुम रो जाओगे आंखों से आंसू निकलेंगे हर जगह से आंसू निकलेंगे तो अगर तुमने मोमेंटम में एरर को कम करने की कोशिश की तो पोजीशन में एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा दोनों में से किसी भी क्वांटिटी के एरर को तुम गायब नहीं कर सकते एरर हमेशा आएगा एरर हमेशा आएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड प्रीसाइसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सब एटोमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन प्रोटोनिटीसी इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइसली एक ही समय पर एक ही टाइम पर एक ही टाइम पर दोनों पोजीशन एंड मोमेंटम में एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइसली वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते एरर हमेशा आएगा एक में एरर कम करने की कोशिश करोगे दूसरे में एरर ज्यादा आ जाएगा दुनिया में जो भी इस तरह के पेयर एग्जिस्ट करते हैं जैसे सब एटमिक पार्टिकल के लिए पोजिशन एंड मोमेंटम दो क्वांटिटीज हैं दोनों क्वांटिटीज को पेयर के फॉर्म में समझो पोजीशन एंड मोमेंटम ऐसे दुनिया में और भी पेयर्स हैं हमें भले ही नहीं पढ़ने हो बट ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक की वैल्यू अगर तुम निकाल लेंगे तो दूसरे में एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा ऐसे पेयर्स 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 को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट तो हायर साइंस में फिजिक्स में एनर्जी और टाइम एनर्जी और टाइम के बीच में भी ऐसा रिलेशन होता है जो हमें बिल्कुल अभी समझ में नहीं आएगा आपने देखा होगा ऐसी बातों की एनसीआर अक्सर लिख देती है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक देखा है ऐसे कभी बट <laughs> मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा कभी आपसे अलग से, से डिस्कस कर सकता मैं पर्सनली डिस्कस कर सकता हूं आपसे कभी तो कर लेंगे अब इन डायग्राम्स को देखो ये ये बड़े बड़े मूविंग है मजेदार है ये क्या बता एक्चुअली एक्चुअली ये सिचुएशंस होती है इस तरह की सिचुएशंस होती हैं एटम के अंदर जो क्लाउड होता है वो क्लाउड इस तरह से कुछ दिखाई देता है हर डायग्राम को दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की गई है लेकिन रियलिटी में जो डायग्राम जो अंदर में एक्जिस्टेंस होती, होती है तो क्या किसी एक समय पर नहीं मुझे तो पता है, जाएंगे तो मिल जाएगा, मेरे दोस्त मुझे तो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है रहा, ऊपर नीचे हो रहा है एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं चल रही है मतलब होता है थ्री डी थ्री डी स्पेस में मुझे एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट जेड कॉर्डिनेट तीनों मिलेगा ऐसे में कैसे मिलेगा ऐसे में कैसे मिलेगा ऐसे मोशन होंगे तो कैसे मिल जाएगा मैं कैसे बोल दू कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन खाली जगह पर चला गया एक बार गया ना खाली जगह पर अब ध्यान से देखना मैंने एक डॉट मारा और वो डॉट जो है वो ब्लैंक ब्लैंक स्पेस स्पेस में में चला गया ब्लैंक स्पेस में जाने का मतलब वो पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है कभी और नहीं भी हो सकता लीजिए फंस गए डेफिनेटली कैसे बताऊं तुम्हें दिख रहा है वो डाउट नहीं दिख रहा है दिख रहा है डॉट देखो डाउट चला जाएगा ब्लैंक स्पेस में जाएगा गया गया अगर ध्यान दे रहे हो गया यार तो मजा आएगा मेरे दोस्त नहीं ध्यान दे रहे हो हाँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दिख रहा है ना डॉट में डॉट 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 पर जो एक बार सर्कल जा भी रहा है और एक बार नहीं भी जा रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है ओके सो okay, so, ये डायग्राम्स जो है वो अल्टीमेट है ये सब देख करके ना समझ में आता अच्छा मैं बताऊं रियलिटी में जब आ, आ, मैं अपने बारे बता रहा हूं उम्र आपको पता ही है एक की आपको पता है कि हमारे समय पर यह फोर जी नहीं था मोबाइल आना शुरू हुआ था उस वक्त तो वो मोबाइल स्टार्ट हुआ था आना नोकिया वाला जिसको फेंक दो किसी के ऊपर तो वो उसी के नीचे दब करके मर जाए वो मोबाइल आता था याद है वो नोकिया 1100 या कौन सा होता था वो हेवी जो मतलब के लोग जो आपस में लड़ाई करने गांव में जाते थे तो, तो उसी को लेके जाते थे वही फेंक के मारेंगे तो सोचो उस टाइम पर जब नेट नहीं था हमारे लिए हाइजेन बॉग को समझना मुश्किल था आज तो सिर्फ डायग्राम देख करके यूँ समझ जाते हैं अच्छा भैया 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 ऐसा है कि डुअल नेचर या तो वेव नेचर की वजह से कोई एक पॉइंट में सेलेक्ट करूंगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसे ही में यहां भी सिलेक्ट करूंगा तो कुछ समय के इलेक्ट्रॉन वहां पर आएगा भी और कुछ नहीं आएगा यहां भी सिलेक्ट करूंगा तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है डायग्राम बनाने की बनाइए उसमें वेव मोशन को डोमिनेंट दिखाइए फिर इलेक्ट्रॉन आप जो है सर्च आप जो पॉइंट जो है वो सर्च करने की कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉन सर्च करने की कोशिश कीजिए तो पता चलेगा एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है दोस्त अच्छा <laughs> वर्नर हाइजनबर्ग एक्चुअली मैंने इस पर ये जो मीम है ये भी मीमी एक पर रहेगा तो मीम पर ये जो जोक है इस पर जो मैंने किया अभिषेक सर पर जो एक जोक मारा था यहां पर बनाया था आप लोगों ने शायद याद नहीं है कॉन्फ़िगरेशन <laughs> के टाइम पर ही मारा था यार. वेयर आई एम मतलब कि भाई हाइजनबर्ग जहां भी जाते थे बस अपना प्रिंसिपल लगाते रहते थे कि मुझे अगर ये पता है तो मुझे वो पता नहीं होगा और दोनों चीजें अगर एक साथ बतानी है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता <laughs> ये सब काम अपने एग्जाम में मत कर देना ये मत बोल देना कि अरे एक ही समय पे मैं दो काम नहीं कर सकता एक ही समय पे मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक ही समय पे सोच भी रहा हूँ और एक ही समय पे मैं लिख भी रहा हूँ या तो मैं सोच सकता हूं या मैं लिख सकता हूं <laughs> कुछ ऐसे लगते हैं ना कुछ <laughs>

अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है हमें पता है कि भाई डेल्टा पी ये जो डेल्टा पी होता है एरर या अनसर्टेनिटी एरर बोलिए या अनसर्टेनिटी बोलिए उसे हम मास इनटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली मास में तो एरर नहीं होगा किसमें में होगा जो वेलोसिटी वाला पार्ट है उसमें एरर होगा करेक्ट यस yes. और शायद हाँ। और इसके बाद मैंने जैसा बताया कि हाँ इसी तरह से हायर साइंस में एनर्जी और टाइम के बीच में भी ऐसा रिलेशन होता है ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स ये कॉन्जुगेट पेयर्स वगैरह पढ़ना सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है तभी मैंने नाटक किया था बोला था कि इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक जैसे एनसीईआरटी को अगर कुछ नहीं बताना होता है तो सच्चाई में पढ़ करों की कोई फायदा नहीं है सब तो सब हायर फिजिक्स में ओके okay, तो थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर किस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम कैच नहीं कर पाते हैं तो आप देख रहे हो लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन ऑफ 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 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विद अ माइक्रोस्कोप रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन फोटोन द आपको पता है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उससे आने वाली जो राइट लाइट होती है रिफ्लेक्टेड वो हमारे आंखों में आती है ऑब्जॉर्ब होते हैं फोटोन तब जाकर के हमें दिखती है वो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट दिखता है इसी बात को यहां पर यूज किया गया है कहा गया कि अगर भाई साहब हट जाओ हाँ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद माइक्रोस्कोप अगर माइक्रोस्कोप से हम अगर हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है देखने के लिए तो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद माइक्रोस्कोप अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से जो फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन पहले हम क्या करेंगे फोटोन फेंकेंगे वो फोटोन जाएगा इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे तक आएगा देखो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हम तक आएगी प्रोसेस होता है हम तभी इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे बस इसी पॉइंट का यूज किया जा रहा है कहा जा रहा है कि देखो ये इंसिडेंट फोटोन है अगर हमने फोटोन भेजा और यह फोटोन गया इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होगा उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा ठीक है रिफ्लेक्टेड फोटोन यहां है माइक्रोस्कोप यहां है खूबसूरत नजारे हम देखने के लिए यहां पर ऐसे होंगे खड़े होंगे मान लीजिए अमृतसर है अपने अच्छा खड़े हैं अमृतसर माइक्रोस्कोप है बायोलॉजी वाले टीचर को लगाना सही है <laughs> तो अमृतसर है और पीछे में मैं भी हूं मान लो मैं और भी लंबा हो चुका हूँ तब तक क्योंकि <laughs> अभी तो मैं हो ही रहा हूं जवान तो ऐसे होगा तो हम लोग बोल रहे होंगे कि अमृतसर देखो ना देखो ना अमृतसर देखो ना तो अब यहां से भाई माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में कौन दिखाई देगा रिफ्लेक्टेड बीम रिफ्लेक्टेड बीम जो आनी चाहिए कहां से इलेक्ट्रॉन से है ना अब इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ ये और एक्सपेक्टेड पाथ ये मतलब ऐसे चलते रहता है हां ठीक है वो वेव मोशन में चल रहा होगा ठीक है ऐसे से चलते रहता है ठीक है सही है ऐसे चल रहा होगा बट जैसे ही तुम फोटोन दोगे जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन पे फोटोन जैसे इंसिडेंट होगा उस फोटोन के साथ कोलिजन की वजह से आप देख रहे हो न्यू पाथ और वेलोसिटी मिल जाएगी किसको इलेक्ट्रॉन को मतलब हमारे साथ क्या है हम तभी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब वो फोटोन जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा इंसिडेंट होगा फिर रिफ्लेक्ट होकर हम तक आएगा यहां कहानी अलग है इलेक्ट्रॉन भैया की माया ही अलग है भाई वो जैसे ही फोटोन से इंट्रैक्ट करते हैं उनका रास्ता एनर्जी पाथ बदल जाता है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो अलग दुनिया में चले जाते हैं वो ओरिजिनल पाथ ये था लेकिन अब पाथ ही चेंज हो जाता है जब पाथ और पाथ चेंज होना है क्यों पाथ चेंज नहीं होना भी पाथ तो बिल्कुल चेंज होना इसलिए होना है क्योंकि फोटोन का जो अपना मोमेंटम फोटोन की अपनी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ जाती ही जाती है तो इस इंट्रैक्शन की वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाता है अब हमने सोचा था कि ये है पोजीशन उसकी ये पाथ है, है ना यहां पर जो मोमेंटम है आगे तो वो मोमेंटम दिखेगा ही नहीं हम सोच रहे हैं कुछ और हम मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन है ही कर जाता है या उल्टा सोचिए विलेन, विलेन जीत अगर विलेन को हारना होता तो मतलब जैसे आपने देखा हुआ एंड गेम वगैरह देखा हुआ है तो को कुछ और करना था मतलब सारे लोग देखा था अपने इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए सारे लोग गए थे Infinity Stone को लेने गए, लेकर के वापस आ गया। लेकिन पता चला पीछे पीछे से से, वो भी भी चले आए, Thanos भी चला आया पीछे से। ये तो किसी ने सोचा नहीं था याद कीजिए में, तो ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन जो है आप सोच रहे थे आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इलेक्ट्रॉन कहां पर है पोजिशन मोमेंटम लीजिए आपको जो इंफॉर्मेशन यहां मिल रही है ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है इलेक्ट्रॉन ने इस पॉइंट के बाद वो पोजीशन वेलोसिटी मोमेंटम मेंटेन ही नहीं किया है क्योंकि आपने उसको इंटरैक्ट करवा दिया था किससे फोटोन से उस इंटरेक्शन तो आपकी जो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो आगे वैलिड ही नहीं होगी एरर आना ही आना है आना ही आना है एरर दैट इज व्हाई भाई हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके फाइनली भाई एक्सपेरिमेंट कर कर के कंक्लूजन निकाला भैया इम्पॉसिबल है हम इंसान हैं हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों में जो एरर है दोनों को प्रिसाइसली खत्म करना प्रिसाइसली उनकी वैल्यू पता लगाना इम्पॉसिबल है अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन बनाते हैं क्लास को खत्म करते हैं दोस्तों कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल मास पता है भाई रिलेशन तो यही है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अच्छा ये देखा था आपने ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई लिखा हुआ था एक्चुअली इसका मतलब है कि जब आप एरर पोजिशन और मोमेंटम में जो भी एरर आएगा वो मिनिमम एच बाई फोर पाई तो जरूर आएगा मिनिमम एच डिवाइडेड बाई फोर पाई तो जरूर आएगा मिनिमम एच फोर पाई तो जरूर आएगा मिनिमम जरूर आएगा एच बाई फोर पाई पक्का आएगा एच बाई फोर पाई तो पक्का आएगा तो मिनिमम होती है उसकी उसका मीनिंग होता है मिनिमम कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम फ द अनसर्टेंटीन एक्स पोजिशन इज वन एंग स्ट्रॉग अनसर्टेटीन पोजिशन अनसर्टेटीन पोजिशन क्या है डेल्टा एक्स और वो दिया हुआ वन एंग स्ट्रॉन्ग ठीक है और पूछा गया अनसर्टेटिन विलोसिटी तो डेल्टा पी है ना हमारा यह जो डेल्टा पी है हम लिख देंगे एम डेल्टा वी एम डेल्टा वी एम तो हमें पता ही है शायद एम बताया गया ना वन फिफ्टी वन फिफ्टी को लिख दीजिए जीरो पॉइंट वन के जी वन फाइव के जी डेल्टा भी निकालने का आ गया है फॉर्मूले में पुट कीजिए निकाल डालिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन है उसे घबराइएगा मत क्योंकि टुच्चा कैलकुलेशन आसान कैलकुलेशन है बस ये देखना है ऊपर में पावर टेन पार माइनस थर्टी फोर है और नीचे में जो वैल्यू है वो टेन पर माइनस टेन आएगी अप्रोक्सीमेट ये आएगा टेन पॉल माइनस ट्वेंटी फोर ऑप्शन में तो सिर्फ और सिर्फ पावर देख करके ही आंसर सेलेक्ट हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू देख लिया जाए ऑप्शन कोई ऐसा था ओ बहुत तेज बहुत तेज है ये क्वेश्चन सेट बहुत अच्छे से किया है टेन पर माइनस ट्वेंटी फोर सब में दिया है लेकिन दो जगह यूनिट मीटर पर सेकेंड है दो जगह सेंटीमीटर तो दो ऑप्शन तो चले जाएंगे ओपी हो जाएगा फिर भी है ना और कैलकुलेशन में थोड़ा सा एफर्ट देना ही पड़ेगा बट मीटर पर सेकेंड से आप समझ गए थे कि मीटर पर सेकेंड वाला चूंकि यूनिट हर जगह हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज हो रही है हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर केजी जी सेकेंड सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज हो रहे हैं इसलिए मीटर पर सेकेंड ही आना था नीचे वाले तो पक्का नहीं आएंगे ये आप बनाओ इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर है अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी फटाफट बताओ क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पिक्चर है ये तो पक्का बता सकते हो फटाफट 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 अरे इतना टाइम नहीं चाहिए इतना टाइम नहीं चाहिए नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हाँ हा, चलो 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 डी अब आया ठीक <laughs> है ये इंटरनेट लैग जो है वो रुला रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको एक से ज्यादा सही हो सकते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेंटी मोमेंटम इन पोजिशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजिशन है जी एंड पोजिशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट दिस प्रिंसिपल कैन एक्सप्लेन बाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस ये मसला आ रहा है

वो स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस करेगा करके देखने की जरूरत नहीं ध्यान में रखिएगा बस कि अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, हैं है कर तो स्पीड कर सकता आइंस्टीन का रूल आपको पता है तो जब आप हाइजनबर्ग प्रिंसिपल उठाएंगे उसके फॉर्मुले को उठाकर अप्लाई करेंगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और फिर अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करती है स्पीड तो पॉसिबल नहीं है कंक्लूजन सुन करके ध्यान में बस रखिएगा कभी कभी ऐसे लिखा हुआ आता है तो उसका मीनिंग यही है कि हाँ साफ होता है कि नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जान सक, जा सकता है दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रूल आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ट्रेजेक्ट्रीज मतलब बोर्स मॉडल का सत्यानाश हो गया है ना पता चल गया कि एग्जैक्ट पोजिशन तो बता नहीं सकते एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बता सकते वहां से क्लैरिटी आई कि भाई अब तो फाइनली समझ में आ गया कि वेव मोशन में ही बात होती है फिनिश है आज का लेक्चर थैंक यू सो मच लव यू सो मच बट जाते जाते मेरे दोस्तों जितने भी लोग हैं प्लीज जिन्होंने नहीं लिया है वेदांतु प्लस रिक्वेस्ट है आपका ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम है वेदांतु प्लस का इस पर आपको मेंटरशिप मिलती है मेंटर मिलते हैं जो आपको दो साल तक कंटिन्यूसली आपके साथ रहते हैं और तीनों सब्जेक्ट में आपको गाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है ढेर सारे फीचर्स है जिसमें से एक टेस्ट वाला फीचर पोस्ट क्लास कॉन्टेंट पर्सनलाइज इंटरवेंशन से आपको जिस तरह के भी हेल्प चाहिए पर्सनली और भाई लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं हमसे पढ़ते हैं उसका मजा अलग लेवल पे होता है दोस्त अलग लेवल पे होता है अलग ही लेवल पर भाई यहां पर जैसे आपको पता है कुछ डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं यूट्यूब पर तो हम प्रिफर करते हैं कि आप प्रो प्लस अपने पास रखो यूट्यूब पे हमारे साथ चलो यहाँ पर भी साथ चलो हाइब्रिड बनाओ मजे हैं भाई बहुत मजे बहुत मजे के साथ पढ़ सकते हैं अफोर्ड करने वाले जितने भी लोग हैं फटाफट ले डालो बिकॉज आपको फिर आगे फिक्र ही नहीं करनी हर तरह से ये बेटर हो जाता है ऑफलाइन कोर्सेज से क्योंकि फीचर्स हद से ज्यादा है आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ईजी कर देती है काम को है ना आपने कोविड के टाइम पे तो देखा हुआ फील किया जानते हैं आप कि टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती है एनी टाइम आप खुद को एसेस कर सकते हो हमारा जो असेसमेंट है वो टेक्नोलॉजी से भरपूर है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है इस तरह से हम दिखाई देते हैं आपको आप स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो यहां पर बहुत अच्छे से आपको हम समझाते हैं पेन से और शीट्स भी रहती हैं स्लाइड्स भी रहती हैं उसके एडिशनली हम अपनी तरफ से समझाते हैं अनकैम करते हैं अनम्यूट करते हैं आपसे डिस्कशन करते हैं आपको लाइव देखते हैं हमें देखते हो रियल टाइम डिस्कशन चलता है बहुत मजा आता है तो आखिर क्यों नहीं पढ़ना है मजे से डाउट्स के तरीके देखो ओहो हो आप इस तरह से डाउट डिस्कशन करते जैसे हो जैसे देख लो बच्चे पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप लेट मी गो थ्रू द सॉल्यूशन यस आई अंडरस्टूड थैंक यू डिस्कशन चल रहे हैं है ना? इसके स्क्रीन, स्क्रीन शॉट्स पड़े हुए हैं अब एनी टाइम जो है वो आप समझो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए सब अवेलेबल होती है ढेर सारे टेस्ट पेपर माइक्रोस्कोप एनालिसिस आप कहां पर किस क्वेश्चन में कितनी गलती कर रहे हो कितना परसेंट आप जो है वो एरर ला रहे हो किस क्वेश्चन में कितनी कौन से टॉपिक में आप ज्यादा अच्छे हो कौन से टॉपिक में आप कमजोर हो फोर्टी थ्री परसेंट एक्यूरेसी किस टॉपिक में है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी आपको और कैसे इंप्रूव करना चाहिए कौन कौन सा सेक्शन आपका वीक है सब कुछ लीडर बोर्ड पर दूसरों के साथ कंपेरिजन अलग अलग दोस्तों के मार्क्स आपके पॉजिटिव कॉम्पिटिशन और प्लस आप जब पढ़ते हो आपको तो रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती है भाई जो लीडर बोर्ड के टाइम पर जो क्विजेज होती हैं है मजा आ जाता है उसमें मतलब मेरे भी कुछ फेवरेट फीचर्स है भाई बुक है जो मुझे मजा आता है जैसे क्वीजेस लेना बहुत पसंद है मुझे और जब आप जीतते हो तो वो कॉन्ग्रेचुलेट करने के जो तरीके हैं वो हो 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 मजा आ जाता है okay, और, आ, रिजल्ट में हम आपकी दुआओं से बहुत आगे हैं बाकी लोगों से दस में से एक तो आई टी एडवांस सिलेक्शन पक्का है हमारा सो so, रिजल्ट अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो तो भाई वी आर द बेस्ट हम कह सकते हैं अपने आप को कि हम इस मामले में तो बहुत अच्छे बिकॉज के बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और मल्टीपल कोर्सेज वाला जो फीचर है मेरे दोस्त वो ऑसम awesome है जब मन करे बिना किसी भी एक्स्ट्रा खर्च के किसी दूसरे कोर्स में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो खुद को एनरोल करा सकते हो ब्रिज कोर्स हो कोई पार्टिकुलर चैप्टर हो कोई लाइव डाउट सॉल्विंग चल रही हो कोई फुल कोर्स भी आ गया कोई बोर्ड का कोर्स आ गया है कोई शॉर्ट कोर्स कोई आ गया कोई माइक्रो कोर्स आ गया है सब ले सकते हो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं कोर्सेज इनफैक्ट कभी एक चल भी रहे हैं आप हमारे साथ भी चल सकते हैं इनफैक्ट आप ले लो प्रो प्लस और कोई इशू आए आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम पर सब कनेक्टेड हो क्या मुझे टेलीग्राम लिंक देना पड़ेगा मैं अगले क्लास से सोच रहा हूं टेलीग्राम लिंक भी अपना ना साथ साथ दे दू बिकॉज बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हाँ टेलीग्राम पर ध्यान रखना थोड़ा लेट होता है रिप्लाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं बट अक्सर मैं कर देता हूं आगे ना पीछे अपने दोस्त का कोड लगाना नहीं भूलना कोड लगाना अगर भूल गया दोस्तों फिर दस परसेंट जो है वो ऑफ नहीं मिलेगा दूसरा दोस्ती में दस परसेंट ऑफ मिल जाएगा मतलब ना कोड लगा, लगाना लगाना ऑफ लेना मिस मत कर जाना मेरे दोस्त बहुत दुख होगा आप होगा आपसे ज्यादा मुझको दूसरा वी आर द वन जो कि जोधांत इंप्रूवमेंट प्रोमिस इंप्रूवमेंट गारंटीड है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है आई थिंक दैट कि ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है मेरे दोस्त इतने ट्रांसपेरेंट हम आपसे प्रॉमिस कि, आप कि इंप्रूवमेंट हो गई होगा टेलीग्राम लिंक ले लो और फटाफट फड़ ज्वाइन कर लो मिस मत करो अभी आपका यह दोस्त चलता है गाइस दिस इज मास्टर मोहित राय साइनिंग ऑफ चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में आप बताओ मुझको अपनी तरफ से कोई ऐसी बात जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ सर आई एम अनएबल दोस्त हाउ टू गेट द द पीडीएफ दीडीएफ एंड फ्रॉम वेयर देखो हर लेक्चर के साथ पीडीएफ मिलेगा अभी जैसे क्या होगा जैसे अभी सेशन बंद होगा फिर मैं ये पीडीएफ जो है वो टीम को बोलूंगा अपलोड करने के लिए वो पीडीएफ जो मेरे के साथ है वो अपलोड होगा लास्ट दो बार जो है वो एरर आए थे वो रेक्टिफाई कर दिए हैं सारे पीडीएफ जो है वो विद एनोटेशन अपडेट हो चुके हैं हर लेक्चर के साथ पीडीएफ होता है दोस्त हर लेक्चर के साथ डीपीपी होती है डीपीपी टफ लग रही होगी डीपीपी बहुत अच्छी है अच्छी डीपीपी जाती है केमिस्ट्री में डीपीपी इसका लेवल मैंने अच्छा रखवाया हुआ है दोस्तों उसे टेंशन नहीं लेना मैं पी तो आपको पता ही है कि सॉल्व हम करेंगे ही करेंगे डीपी का डिस्कशन करेंगे साथ में डीपी के सॉल्यूशन भी है ना डिस्कशन हम पक्का करेंगे आपसे करते ही आपको पता लास्ट टाइम भी किया था हमने सारे अच्छे जो क्वेश्चन उड़ाए थे वैसे ही करेंगे और कुछ पूछो सर टेली एक बार चेक कर लेना खिड़की में चलते दोस्त मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस तेरी गलियों में मुहब्बत होगी